नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सवाल करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसे जो कंटिन्यू करते हुए हमने रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्तों, सिलॉजिस्म यानी कि न्याय निगमन का आप दोस्तों हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे और ये पार्ट हमारा आज का अंतिम पार्ट भी होगा। दोस्तों, इस पार्ट में टोटल हम लोग 251 नंबर से लेकर के 300 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, आप भी यदि रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी डाउट को वहां पे हम लोगों को ग्रुप में भेज करके सॉल्व पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, अगर यहाँ पे देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि सभी बटन गुलाबी हैं, जितने भी बटन हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, यहाँ पे गुलाबी हैं। तो हमने सभी बटनों को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे गुलाबी बना दिया। तो ये हो गए हमारे सभी बटन दोस्तों क्या बन गए, यहाँ पे गुलाबी बन गए। अब अगर दूसरी भाषा में देखें तो कहा गया है कि सभी गुलाबी काले हैं, जितने भी गुलाबी हैं वो सब का सब दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। कुछ गुलाबी काले कहा गया, अच्छा दोस्तों सभी नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया कुछ गुलाबी काले हैं। गुलाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर दिया, काला कर दिया। अब दोस्तों अगले स्टेप में कहा है कि कुछ काले घंटी हैं, काले का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे घंटी बन रहा। तो हमने काले का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, घंटी बना दिया। फिर दूसरे स्टेप में कहा गया सभी घंटी सफ़ेद हैं। अब जितने भी घंटी होंगे, मान लीजिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, सभी घंटी हमारे क्या हैं, सफ़ेद हैं। तो हमने सभी घंटियों को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे सफ़ेद बना दिया। अब अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में कहा ये गया है कि निष्कर्ष में अगर देखें तो निष्कर्ष में कहा कि कुछ काले सफ़ेद हैं, काले का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा सफ़ेद है। तो काला का देखिए दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद, तो काला के ये कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो रहा हमारा, सफ़ेद हो रहा। इसलिए दोस्तों हमारा ये बात तो हो गई, सत्य हो गई। फिर दूसरी बातों में देखें तो कहा गया कुछ घंटी गुलाब हैं, घंटी का कुछ हिस्सा कह रहा दोस्तों गुलाब है। तो घंटी यहाँ पर है और गुलाब हमारा यहाँ पर, तो घंटी और गुलाब का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब अगर थर्ड देखते हैं निष्कर्ष, तो थर्ड निष्कर्ष में कहा गया है कुछ गुलाबी बटन हैं, गुलाबी का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, बटन है। तो दोस्तों गुलाबी ये पूरे थे, इस गुलाबी का कुछ ही हिस्सा तो बटन बन रहा है। तो ये बात दोस्तों क्या कही गई, बिल्कुल सत्य कही गई है। अगर तीसरा देखें तो दोस्तों तो फोर्थ नंबर हमारा निष्कर्ष दिया गया, कहा गया कोई भी बटन सफ़ेद नहीं है, कहा गया बटन का कोई भी हिस्सा कह रहा सफ़ेद नहीं है। तो ये तो दोस्तों गलत कह रहा, बटन का यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा ये सफ़ेद हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों इसने क्या कह दिया, ये गलत कह दिया, बटन का कुछ हिस्सा हमारा सफ़ेद हो रहा है। तो हमने ऐसा कर दिया कि बटन का कुछ हिस्सा सफ़ेद यहाँ पे हो रहा, तो ये गलत कह रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे अगर देखें तो निष्कर्ष हमारा फर्स्ट और थर्ड पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऐसा हमारा ए पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा 251 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 252 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि कुछ गहरे काले हैं, तो गहरे का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ गहरों को काला बना लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक गहरा शब्द लिखा और गहरे का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे काला कर दिया। फिर अगले स्टेप में कहा गया कुछ काले ग्रे हैं, काले का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे मान लीजिएगा काले का कुछ हिस्सा क्या है, ग्रे है। तो हमने काले का कुछ हिस्सा दोस्तों बना दिया, ग्रे बना दिया। फिर कहा गया कि सभी ग्रे लाल हैं, जितने भी ग्रे होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सभी ग्रे को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे लाल बना दिया। फिर कहा गया सभी लाल शिशु हैं, कह रहा जितने भी लाल हैं वो सबका सब दोस्तों क्या बन जाएंगे, शिशु बन जाएंगे। तो हमने सभी लाल को यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे हमने शिशु बना दिया। तो अब यहाँ पे सभी लाल दोस्तों क्या हो गए हमारे, शिशु हो गए। अब अगर देखें क्वेश्चन में तो हमारा ये कथन के अनुसार डायग्राम पूरा हो गया। अब हम निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ लाल काले हैं, कह रहा लाल का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा काला है। तो हाँ, बात सही कह रहा दोस्तों, ये लाल यहाँ से है, काला भी हमारा यहाँ, तो लाल का कुछ हिस्सा यहाँ पे दोस्तों काला हो रहा है। तो ये तो बात हो गई, सत्य हो गई। अब अगर देखते हैं दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरे में कहा गया कुछ बच्चे काले हैं, बच्चों का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा काले हैं। बच्चों का मतलब वही दोस्तों शिशु समझ लीजिएगा,
तो यहाँ पे कुछ बच्चे काले हैं, यानी कि कुछ शिशु काले हैं, यानी कि शिशु का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे काला हो रहा है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, हमारी सही हो जाएगी, कुछ बच्चे हमारे काले भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर कहा कि कुछ बच्चे ग्रे हैं, बच्चों का कह रहा कुछ हिस्सा ग्रे है, तो ये भी बात दोस्तों सही कही गई है, बच्चों का ये इतने सारे पूरे बच्चे हैं, बच्चे के अंदर हमारा कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, ग्रे हो रहा है, तो ये भी बात दोस्तों सत्य कह दी गई है। अब अगर हम फोर्थ देखें तो कहा गया कुछ लाल गहरे हैं, लाल का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा गहरा है, तो लाल यहाँ पे है, गहरा यहाँ पे, तो लाल और गहरे का तो कोई संबंध नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखें तो दोस्तों तीनों निष्कर्ष हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और फोर्थ हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर इनको गलत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो हम गलत नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या हो जाएगा, हमारा अगर गलत करेंगे भी तो हमारा डायग्राम चेंज हो जाएगा, डायग्राम के साथ साथ हमारे कथन भी चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों इसको हम सही नहीं, मतलब कुछ गलत नहीं साबित कर पाएंगे, तो यानी कि तीनों हमारे सही हैं, तो तीनों सही रहेंगे। देखें तो ऐसा ऑप्शन हमारा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया सी पे, तो इसलिए दोस्तों 252 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कुछ ब्लू वायलेट हैं, कुछ ब्लू, ब्लू का कुछ हिस्सा हम क्या कर देते हैं दोस्तों, वायलेट बना देते हैं, ये ब्लू हो गया, ब्लू का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये वायलेट बना दिया। अब अगले स्टेप में कहा गया है जबकि कुछ पर्पल है, यानी कि ब्लू का कुछ हिस्सा वायलेट है, अब ब्लू का कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, पर्पल है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्लू का ही कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, यहाँ पे पर्पल बना दिया, तो ये यहाँ पे पर्पल हो गया। अब अगर अगले स्टेप में देखें, कहा गया कि सभी ऑरेंज रेड हैं, जितने भी ऑरेंज होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या है, रेड हैं। अच्छा, और आगे पढ़ते हैं, फिर कहा गया और कुछ रेड वायलेट हैं, रेड का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है वायलेट हैं, तो रेड का जो कुछ हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। और फिर कहा गया और कुछ रेड वायलेट हैं, सभी पर्पल रेड हैं, अब जितने भी पर्पल होंगे वो सबका सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, रेड हो जाएंगे, तो पर्पल के अंदर हमको रेड को ले जाना है, और कहा गया है और सभी ऑरेंज रेड हैं, और रेड के ही अंदर ऑरेंज को ले जाना है, अब कुछ रेड वायलेट हैं, तो हम करते क्या हैं, वायलेट से थोड़ा सा ऐसे बना करके सभी पर्पल को कवर कर लेते हैं ऐसे, तो इसमें सभी पर्पल हमारे रेड हो जाएंगे, तो ये मान लीजिए ये क्या है हमारा, रेड हो गया, सभी पर्पल रेड हो गए। और दूसरी बातों में यहाँ पे देखें तो कहा गया है कि सब कुछ रेड वायलेट हैं, तो रेड का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे ये वायलेट हो रहा है, अब सभी पर्पल हमारे रेड हो रहे हैं, सभी पर्पल रेड हैं, सभी जितने भी पर्पल हैं सबका सब रेड हैं, और सभी ऑरेंज रेड हैं, तो यहाँ पे एक अभी हम ऑरेंज का बनाएंगे दोस्तों, क्या बनाएंगे, ऑरेंज का बनाएंगे, और इनको भी सबका सब रेड कर देंगे, तो रेड के अंदर हो गया, तो ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अब अगर हम निष्कर्ष में पढ़ें तो कहा गया कुछ रेड ब्लू हैं, रेड का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कहा गया है, यहाँ पे ब्लू है, तो रेड का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए ब्लू हो भी रहा है, ये यहाँ पे रेड का कुछ हिस्सा ब्लू हो रहा है, तो ये बात दोस्तों क्या है, सत्य कही गई है। फिर कहा गया है कुछ ऑरेंज वायलेट हैं, कुछ ऑरेंज, ऑरेंज का कुछ हिस्सा कह रहा है वायलेट हैं, तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज दिया गया है, इस ऑरेंज का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कहा गया है, वायलेट है, तो ऑरेंज का कुछ हिस्सा वायलेट, तो ऑरेंज यहाँ है, वायलेट यहाँ है, तो इनका तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, तो ये दोस्तों क्या कहा गया, गलत कहा गया है। तो यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 253 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 254 नंबर, और 254 नंबर में हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई खिड़की बंदर नहीं है। अब अगर हम बना लेते हैं कोई खिड़की, खिड़की का कह रहा कोई भी हिस्सा बंदर नहीं है, तो हमने ये बना दिया खिड़की, और खिड़की का कोई भी हिस्सा हम क्या कर देंगे, बंदर नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये खिड़की, और खिड़की का कह रहा कोई भी हिस्सा जो है वो बंदर नहीं है, तो हमने बंदर को नहीं कर दिया, ये हो गया, कोई भी खिड़की हमारी क्या हो जाएगी, बंदर नहीं है। फिर कहा गया कि सभी बंदर बिल्लियाँ हैं, जितने भी बंदर हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, तो हमने यहाँ पर सभी बंदरों को बिल्ली बना दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है निष्कर्ष में कि कोई खिड़की बिल्ली नहीं है, खिड़की का कह रहा कोई भी हिस्सा बिल्ली नहीं है, तो खिड़की का कोई भी हिस्सा जो है बिल्ली नहीं है,
तो ये खिड़की है और यहाँ पे बिल्ली है, तो बात ये सही कही गई, खिड़की का कोई भी हिस्सा बिल्ली नहीं है, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सत्य कही गई है। फिर कहा गया कोई बिल्ली खिड़की नहीं है, कोई भी बिल्ली खिड़की नहीं है, ये भी बात सही कही गई है। फिर कहा गया कुछ बिल्लियाँ बंदर हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, बंदर है, ये भी बात सत्य कही गई है। फिर कहा गया कि सभी बिल्लियाँ बंदर हैं, जितनी भी बिल्ली हैं वो सबका सब दोस्तों कह रहा बंदर है, ये बात गलत कह दी गई, बिल्ली का कुछ हिस्सा बंदर है, यहाँ तो कह दिया सभी बिल्लियाँ बंदर हैं, तो गलत कह दिया गया। तो अब अगर यहाँ पे देखें कुछ बिल्लियाँ बंदर थी, कुछ बिल्लियाँ बंदर थी, हाँ तो ये तो हम देखें तो हमारा निष्कर्ष कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर देखें क्वेश्चन में दोस्तों, तो कुल मिलाकर के दिए गए कथन से निष्कर्ष केवल अभी तो हमारे यहाँ पे कौन से, मतलब ये जो दिए गए कथन हैं इन कथनों के अनुसार हमारे तीनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसी डायग्राम को हम और अलग तरीके से बनाएं और कथन भी हमारा चेंज ना हो जाए, इनको गलत करने का प्रयास करते हैं, तो अब जब गलत करने का प्रयास करेंगे तो डायग्राम हमारा अलग बनेगा। तो डायग्राम अलग बनाएंगे, कहा गया है कि कोई खिड़की बंदर नहीं है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये खिड़की हो गया, इसका कोई भी हिस्सा बंदर नहीं है, तो हमने खिड़की का कोई भी हिस्सा बंदर नहीं कर दिया। फिर कहा गया है कि सभी बंदर बिल्लियाँ हैं, जितने भी बंदर होंगे वो सबका सब मान लीजिए बिल्लियाँ हैं, तो हमने बंदर का सभी हिस्सा क्या कर दिया, बिल्ली बना दिया, तो ये यहाँ पे हमारा बिल्ली हो गया। और हमने थोड़ा सा खिड़की से भी हिस्सा ले लिया, तो अब हमारा कथन तो चेंज हो नहीं रहा। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कहा गया कोई खिड़की बिल्ली नहीं है, कोई भी खिड़की बिल्ली नहीं, तो खिड़की का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे बिल्ली बनने लगा है, तो ये अब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई बिल्ली खिड़की नहीं है, कोई बिल्ली खिड़की नहीं है, तो यहाँ पे बिल्ली का कुछ हिस्सा खिड़की होने लगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, कह रहा कुछ बिल्लियाँ बंदर हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा बंदर है, हाँ बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों बंदर है, ये बात सत्य है यहाँ भी। और ये तो हमारा फिर कहा सभी बिल्लियाँ बंदर हैं, सभी बिल्ली जितनी है वो सबका सब बंदर है, तो गलत कह दिया गया दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो सेकंड ये हमारा ये क्या था, फिगर हमारा फर्स्ट था, ये फिगर हमारा सेकंड था। फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये सही आ रहा है, सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये आ रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा सेकंड फिगर में कौन सा राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे थर्ड के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा दिया गया दोस्तों 254 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगले तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि सभी कलम पेंसिल हैं, सभी कलम जितनी भी कलम होंगी, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक कलम बना लिया, इन सभी कलमों को हमने क्या बना दिया दोस्तों, पेंसिल बना दिया, तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, पेंसिल हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ पेंसिल रबड़ हैं, पेंसिल का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, तो हमने पेंसिल का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, यहाँ पे रबड़ बना दिया। फिर कहा गया कुछ रबड़ रस्सियाँ हैं, रबड़ का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा, तो यहाँ पे रबड़ का कुछ हिस्सा क्या कर लिया, रस्सी हो गया। फिर अगला कहा गया कि सभी रस्सियाँ तंबू हैं, जितनी भी रस्सी हैं वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगी दोस्तों, तंबू बन जाएंगे, तो हमने यहाँ पे सभी रस्सियों को तंबू कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब निष्कर्ष में आते हैं, निष्कर्ष में कहा गया कुछ तंबू पेंसिल हैं, तंबू का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा पेंसिल है, तो तंबू और पेंसिल का तो कोई भी संबंध नहीं हो रहा, तंबू यहाँ तक है पेंसिल यहाँ तक है, तो तंबू और पेंसिल का कोई संपर्क नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है दूसरा निष्कर्ष में कुछ रस्सियाँ कलम है, रस्सी का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों कलम है, तो रस्सी यहाँ है और कलम हमारी यहाँ है, तो रस्सी और कलम का भी कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ रबर कलम है, रबड़ का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा कलम है, तो ये भी दोस्तों गलत हो जाएगा, रबड़ और कलम का कोई संबंध नहीं हो रहा यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ पेंसिल कलम है, पेंसिल का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, कलम है, तो यानी कि दोस्तों अगर देखें तो पेंसिल का कुछ हिस्सा दोस्तों कलम हो रहा है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। तो ऐसा देखें दोस्तों तो हमारा केवल फोर्थ ऑप्शन सही हो रहा है, तो केवल फोर्थ अनुसरण करता है, यानी कि 255 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 255 के बाद 256 नंबर, दोस्तों 256 नंबर में हमारा दिया गया, कहा गया कुछ कलियाँ फूल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कली का कुछ हिस्सा हम क्या बना देंगे, फूल बना देंगे, तो कली का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, फूल बना दिया। फिर कहा गया कि सभी फूल पेड़ हैं, जितने भी फूल हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पेड़ हो जाएंगे, तो हमने सभी फूल को पेड़ बना दिया। फिर कहा गया कि सभी पेड़ पत्तियां हैं, अब जितने भी पेड़ होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, पत्ती बन जाएंगे, तो हमने सभी पेड़ों को क्या बना दिया दोस्तों, पत्ती बना दिया। अब निष्कर्ष में आएंगे, निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ पत्तियां कलियां हैं, पत्ती का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों कली है, तो बात दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा है, यानी कि हाँ सत्य है ये। फिर कहा गया कि सभी फूल पत्तियां हैं,
जितने भी फूल हैं वो सब का सब कह रहा पत्ती है। तो यहाँ पे ये भी बात दोस्तों सही कहा गया कि सभी फूल जितने भी फूल हैं सब का सब पत्ती के अंदर ही तो आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात भी सत्य हो गई। तो देखें दोस्तों, तो दोनों निष्कर्ष समाधान अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों सत्य हो गए। दोनों को गलत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो हम गलत तो नहीं कर पाएंगे, अगर गलत करेंगे भी तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज होने लगेगा। तो इसलिए हम गलत नहीं करेंगे दोस्तों, यानी कि दो का दोनों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। 256 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों, 256 के बाद हमारा 257 नंबर जो दिया गया है, तो 257 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कुछ बंदर गधे हैं। अब बंदरों का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या कह दिया गया, गधे हैं, तो हमने बंदर का कुछ हिस्सा गधा बना दिया दोस्तों। यहाँ पे हमने बंदर बनाया और बंदर का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे गधा बना दिया। ये बंदर का कुछ हिस्सा हमने गधा कर दिया। फिर कहा गया सभी गधे पीले हैं। अब जितने भी गधे होंगे वो सब का सब दोस्तों क्या है, यहाँ पे पीले हैं, तो हमने सभी गधों को पीला कर दिया। फिर कहा गया कुछ पीले नीले हैं, पीले का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, नीला है, तो हमने पीले का कुछ हिस्सा क्या बना दिया, नीला बना दिया। अब अगर हमारा डायग्राम तो तैयार हो गया, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष पढ़ें और निष्कर्ष में देखते हैं निष्कर्ष में क्या कहा गया है। कहा गया कि सभी गधे पीले हैं, जितने भी गधे हैं कह रहा वो सब का सब पीले हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि सभी गधे पीले हैं, तो ये बात दोस्तों क्या कही गई है, बिल्कुल ही सत्य कही गई है। जितने भी गधे हैं वो सबका सब पीले के अंदर ही तो हो रहा है, यानी कि सत्य हो गया। फिर कहा गया कुछ नीले पीले हैं, नीले का कह रहा कुछ हिस्सा पीला है, तो हाँ दोस्तों नीले का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे पीला बन रहा, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। फिर थर्ड देखते हैं, तो कहा गया कुछ गधे नीले हैं, कह रहा गधे का कुछ हिस्सा नीला है, तो गधा हमारा यहाँ है, नीला यहाँ है, तो गधा और नीला का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी पीले गधे हैं, जितने भी पीले हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हैं, गधे हैं। पीले का जितने भी हिस्सा है वो सब का सब गधे हैं दोस्तों, यहाँ पे गलत कह दिया गया है, पीले का कुछ हिस्सा गधा हो रहा है, तो ये गलत यहाँ पे कहा गया। देखिए दोस्तों, तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं, तो अगर इनको गलत करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों तो क्या होने लगेगा, हमारा निष्कर्ष जो है गलत करेंगे, निष्कर्ष जो हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हम कथन चेंज नहीं होने देंगे, यानी कि जो सत्य है फर्स्ट और सेकेंड तो यही रहने देंगे। तो देखें ऑप्शन हमारा दिया गया है बी ऑप्शन, केवल बी नहीं दोस्तों, यहाँ पे डी हो जाएगा, वहाँ पे यह शब्द लगा दिया है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे बी ना होकर के दोस्तों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बनेगा। दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 257 का डी के साथ राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 257 के बाद दोस्तों, 258 नंबर, और यहाँ पर कहा गया है कि कुछ दरवाजे अलमारी हैं। अब यहाँ पे दरवाजे का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बताया गया है, अलमारी है, तो दरवाजे का हमने कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया, ये अलमारी बना दिया, ये हो गया बात। अब फिर अगला कहा गया कुछ दरवाजे अलमारी हैं, फिर कहा गया सभी अलमारी खिड़की हैं। अब जितने भी ये अलमारी हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएगा, खिड़की बन जाएगा, तो हमने सभी अलमारी को यहाँ पे क्या बना दिया, खिड़की बना दिया, सभी अलमारी को हमने क्या बना दिया, खिड़की बना दिया। फिर कहा गया है, अब निष्कर्ष बता दिया गया, निष्कर्ष में कहा गया कुछ दरवाजे खिड़की हैं, दरवाजे का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए खिड़की हो भी रहा है, ये सब यानी कि दरवाजे का कुछ हिस्सा खिड़की हो रहा है, तो ये बात तो सत्य हो गई, कुछ दरवाजे खिड़की हैं। फिर कहा गया कोई भी अलमारी दरवाजा नहीं है, अलमारी का कह रहा कोई भी हिस्सा दरवाजा नहीं, तो गलत कह रहा, अलमारी का तो ये कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे दरवाजा हो रहा है, तो यहाँ पे इसने गलत कहा है। अब अगर पहले वाले को हम गलत करने का प्रयास करेंगे तो गलत नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमारा गलत करेंगे भी दोस्तों तो कथन हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो केवल हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि 258 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 के बाद दोस्तों अगर देखें 259 नंबर, तो यहाँ पे दिया गया, कहा गया कुछ पेपर पेंसिल हैं, यहाँ पे पेपर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बताया गया, पेंसिल, तो हमने पेपर का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे पेंसिल बना दिया। फिर कहा गया कि कुछ पेंसिल रबड़ हैं, पेंसिल का कुछ हिस्सा दोस्तों कहा गया है रबड़ है, तो हमने पेंसिल का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया, रबड़ बना दिया, कुछ पेंसिल रबड़ हो गई। फिर कहा गया कि सभी रबड़ डिब्बे हैं, जितने भी रबड़ होंगे वो सब का सब हमारे क्या हैं, यहाँ पे डब्बे हैं। अब क्या हैं दोस्तों, डब्बे हैं। अब क्या करें दोस्तों, सभी रबड़ हमारे क्या हैं, डब्बे हैं। फिर यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ रबड़ पेपर हैं, रबड़ का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा पेपर है, तो रबड़ और पेपर का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो कहा गया है गलत कहा गया है। फिर कहा गया कुछ पेपर डिब्बे हैं,
पेपर का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है डिब्बा, तो डिब्बा यहाँ तक है, पेपर यहाँ तक है, तो यहाँ भी संपर्क नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ भी ये गलत हो गया। तो अब इसका मतलब दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 259 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 260 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कुछ कंप्यूटर प्रिंटर हैं। अब कंप्यूटर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंटर है, तो हमने एक कंप्यूटर का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या बना लिया दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटर बना लिया, ये हमारा कंप्यूटर का कुछ हिस्सा प्रिंटर बन गया, ये देखिए यहाँ पे। फिर कहा गया सभी मॉडेम प्रिंटर हैं, अब जितने भी मॉडेम होंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, प्रिंटर हो जाएंगे, तो मॉडेम हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर के अंदर आ जाएगा, तो मॉडेम हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर के अंदर आ गया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी कंप्यूटर प्रिंटर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं कह रहा है वो सबका सब प्रिंटर हैं, तो दोस्तों गलत कह रहा है ना, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा प्रिंटर हो रहा है, इसने तो कह दिया सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गलत कह दिया। फिर कहा गया कुछ प्रिंटर मॉडर्न है, प्रिंटर का कह रहा कुछ हिस्सा मॉडर्न है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई, प्रिंटर का कुछ हिस्सा तो मॉडर्न हो रहा है, तो ये बात दोस्तों सत्य हो गई। अब अगर इसको गलत करने का प्रयास करेंगे सेकंड वाले को, तो गलत नहीं कर पाएंगे दोस्तों, अगर करेंगे भी तो हमारा कथन चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का क्या अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 260 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों 261 नंबर, और 261 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं। अब दोस्तों जितने भी आम दिए गए हैं ये सारे आम क्या हैं, सुनहरे रंग के हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया सुनहरे रंग, यानी कि सुनहरे रंग के सभी आम हो गए, सभी आम जो हैं वो सुनहरे रंग के हैं, ठीक है, कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है। अब यहाँ पे कह दिया गया कि कोई भी जो सुनहरी चीज़ है वो सस्ती नहीं है, तो सस्ती शब्द हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुनहरी से बिल्कुल अलग बन जाएगा, ठीक है, इनका कोई संपर्क नहीं रहेगा। निष्कर्ष में आ जाते हैं, निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी आम सस्ते हैं, जितने भी आम हैं कह रहा वो सबका सब सस्ते हैं, तो यहाँ आम और सस्ते का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो ये क्या कह रहा, गलत कह रहा है इसका मतलब। अब हम देखेंगे सेकंड निष्कर्ष, कहा गया सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं, सुनहरे रंग के आम, सुनहरे रंग के जो आम हैं वो सस्ते नहीं हैं, तो सुनहरे रंग और आम से यहाँ पे देखें तो कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे कह रहा है, अच्छा यहाँ पे सेकंड में कहा है कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं, यानी कि सुनहरे रंग के जो आम हैं वो सस्ते नहीं हैं, हाँ दोस्तों ये बात सही कह रहा है कि सस्ते नहीं, यानी कि इनका कोई संपर्क ही नहीं है, तो इसलिए तो सस्ते नहीं हैं, तो यानी कि ये बात यहाँ पे सत्य कह दी गई, कह रहा जितने भी सुनहरे रंग के आम हैं वो कोई भी सस्ता नहीं है, यानी कि हाँ सस्ता नहीं से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए दोस्तों ये बात सही कही गई है। तो देखें तो दोस्तों केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, 261 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें निष्कर्ष हमारा 262 जो दिया गया है, 262 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जितने भी कुत्ते हो जाएंगे वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे सभी कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे, तो हमने सभी कुत्तों को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे बिल्ली बना दिया। अब अगला क्वेश्चन में कहा गया कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, बिल्ली का कह रहा कोई भी हिस्सा जो है वो चूहा नहीं होगा, तो हमने बिल्ली का कोई भी हिस्सा चूहा नहीं बनाया। अब क्या कह रहा, बिल्ली का कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है, ठीक है ये हो गया। अब कह रहा निष्कर्ष में सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे क्या हैं दोस्तों, कुत्ते हैं, जितने भी चूहे हैं कह रहा वो सबका सब कुत्ते हैं, तो चूहा और कुत्ते से तो कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो इसने जो कहा है यानी गलत कह रहा है। फिर कहा कुछ कुत्ते चूहे हैं, कह रहा कुत्ते का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा चूहा है, तो यहाँ भी दोस्तों गलत कह रहा, कुत्ता और चूहा का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों गलत हो गए। तो देखें तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों 262 का हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 262 के बाद, दोस्तों 263 कहा गया सभी कुत्ते काले हैं, अब जितने भी कुत्ते होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, तो हमने सभी कुत्तों को काला कर दिया। फिर कहा गया कि सभी बिल्लियां सफ़ेद हैं, अब जितनी भी बिल्ली होंगी वो सबका सब दोस्तों हमारी क्या हो जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी, सभी बिल्ली हमारी सफ़ेद हो जाएंगी, तो बिल्ली और सफ़ेद सभी बिल्ली क्या हो जाएंगी, सफ़ेद हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमने बिल्ली को अलग बना लिया और फिर बिल्ली सभी बिल्लियों को हमने क्या कर दिया दोस्तों, सफ़ेद कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा हमारा क्या हुआ डायग्राम दोस्तों, टच हो गया, तो आपको टच बिल्कुल भी नहीं करना है, तो हम इसको क्या करते हैं फिर से बना देते हैं कि सभी बिल्ली हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यहाँ पर सफ़ेद हो जाएंगी, तो हमने सभी बिल्लियों को सफ़ेद कर दिया। अब अगर यहाँ पर हम
निष्कर्ष पढ़ते हैं तो कहा गया कोई जानवर भूरा नहीं है, तो यहाँ पे जानवर और भूरे का तो कोई शब्द ही नहीं यूज किया गया, तो इसको हम तो बिना सोचे समझे इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। फिर कहा गया कुछ जानवर काले और कुछ सफेद हैं, अब यहाँ पे कह दिया कुछ जानवर काले और कुछ जानवर सफेद हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो कुछ जानवर काले और कुछ सफेद हैं, तो यहाँ पे जानवर मान लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे जो कहा है सेकंड में कहा गया कुछ जानवर काले और कुछ जानवर सफेद हैं, जो कुत्ता हमारे एक प्रकार का जानवर है, तो ये क्या है, कुछ कुत्ते हमारे क्या हैं, कुछ जानवर काले हैं और कुछ जानवर सफेद हैं, तो ये बात अगर यहाँ तक देखें तो ये बात कहीं हद तक यानी हमारी ये सही समझ में आ रही है, यानी कि कुछ जानवर काले और कुछ सफेद हैं, यानी कि जानवरों का कुछ हिस्सा काला हो रहा है, कुछ जानवरों का हिस्सा सफेद हो रहा है, तो इस बात को हम यानी सत्य मान लेते हैं। फिर कहा गया कि सभी जानवर या तो काले या तो सफेद हैं, इसने तो गलत कह दिया, सभी जानवर कह रहे हैं या तो काले हैं तो सफेद हैं, या तो दोनों हो रहे हैं, काले सफेद दोनों हो रहे हैं ना, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया निर्धारित नहीं किया जा सकता, अब यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता तो किस चीज़ का निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये भी जो बात कही गई है गलत कही गई है, या तो हमें हर एक चीज़ का तो निर्धारण कर सकते हैं ना, तो हमारा डायग्राम तो सब कुछ दिख ही रहा है, तो यहाँ पे देखें तो केवल 263 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट, कुछ जानवर काले और कुछ सफ़ेद हमारे हैं, तो ये इस क्वेश्चन को हम टिक करेंगे, सही मानेंगे और आगे बढ़ेंगे 264 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सभी आम मीठे हैं, अब यहाँ पे कहा गया जितने भी आम होंगे वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे, हमने सभी आमों को मीठा बना दिया। फिर कहा गया कुछ सेब मीठे हैं, सेब का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मीठा कर दिया, सेब का कुछ हिस्सा हमारा मीठा भी हो गया। फिर कहा गया कि सभी गोलाकार फल मीठे होते हैं, सभी गोलाकार फल क्या होते हैं दोस्तों, मीठे होते हैं, सभी गोलाकार फल मीठे होते हैं, तो गोलाकार हमारा कहाँ आ जाएगा, मीठे के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया गोलाकार, ये गोलाकार हमारा कहाँ आ जाएगा, मीठे के अंदर आ जाएगा, हमने ये मीठे के अंदर कर दिया। फिर अगर हम आगे देखें दोस्तों तो कहा गया जेनी एक मीठा फल खा रही है, जेनी जो हो रही है वो क्या खा रही है दोस्तों, मीठा फल खा रही है, तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ठीक है जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो ठीक है ये मीठा फल है तो इसको खा रही है, ठीक है आगे हम देखते हैं, कहा गया है कि जेनी एक सेब खा रही है, तो यहाँ पे अगर हम अब दोस्तों देखें कि जेनी के जो मतलब जेनी है कह रहा क्वेश्चन में कहा गया जेनी एक मीठा फल खा रही है, यहाँ पे क्या कहा गया दोस्तों इस बात को चौथे नंबर को ध्यान से देखिए, कहा गया जेनी क्या कर रही है, एक मीठा फल खा रही है, तो अब निष्कर्ष में कह दिया गया कि जेनी एक सेब खा रही है, तो यहाँ पे संभावना जताई जा सकती है कि हाँ जेनी मीठा फल खाने का मतलब ये तो मीठा फल खा रही होगी, ये तो फिर सेब खा रही होगी, तो कोई इन्हीं में से कोई एक खा रही होगी, तो जेनी के आम खाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो सकती है वो, इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना कि जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो मीठा फल हमारा आम और एक गोलाकार ये इसी में आते हैं, मीठे में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जेनी के फल सेब खा रही है, तो यहाँ पे जो ये बात कही गई है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो कुल मिला के कहा गया है जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा हम मान लेंगे, जेनी एक सेब खा रही है, तो अभी इसकी बात हम यहाँ पे क्वेश्चन जेनी सेब खाने के लिए तो यहाँ पे निष्कर्ष में कहीं पे दिया ही नहीं गया कि जेनी सेब खा रही थी, हम इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। फिर कहा गया जेनी को नींबू पसंद नहीं है, तो नींबू की तो बात ही नहीं कही गई, तो इसको भी कट कर देंगे। फिर जेनी एक नारंगी खा रही है, तो नारंगी की भी कोई बात नहीं कही गई, तो ये भी कट कर देंगे। फिर कहा गया कि जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे जेनी मीठा खाने की बात कही गई थी दोस्तों, तो मीठा हमारा किसके अंतर्गत आता है, आम के अंतर्गत आता है, इसलिए दोस्तों मीठा खाने में आम की संभावना ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसलिए दोस्तों हमारा डी हम ऑप्शन को क्या करेंगे, इसको सत्य मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 264 के बाद दोस्तों 65 नंबर 265 दिया गया है, यहाँ पे कहा तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे क्या दिया गया है, शिक्षिका दी गई है, ये जो शिक्षिका है ये कोई भी गायन का काम नहीं करती है, तो हमने ये गायन को अलग कर दिया शिक्षिका से। फिर कहा गया है कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, शिक्षिकाओं का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या कर लेगा, नृत्य कर सकता है, तो यहाँ पे हमने नृत्य बना दिया। फिर कहा गया है निष्कर्ष में सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, जितनी भी शिक्षिकाएं होंगी कह रहा वो सबका सब नृत्य कर सकती हैं, तो गलत कह रहा है दोस्तों, शिक्षिकाओं का कुछ हिस्सा नृत्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती, दोस्तों ये बात सही कही गई कि शिक्षिका को कोई भी हिस्सा गायन नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है, ऑप्शन नंबर 265 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 266 नंबर, और 266 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सभी सेब लाल हैं, जितने भी सेब होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, सभी सेब को हमने क्या बना दिया यहाँ पे,
लाल बना दिया तो हमने सभी सेब लाल हो गए। फिर कहा गया कोई भी लाल रंग का फल सस्ता नहीं है, कोई भी लाल रंग का फल यहाँ पे कह रहा है सस्ता नहीं है, तो हमने यहाँ पे सभी ये कोई भी लाल रंग के फल को सस्ता नहीं कर दिया। फिर कहा गया निष्कर्ष में कहा गया कि सभी सेब सस्ते हैं, जितने भी सेब होंगे वो सबका सब सस्ते हैं, तो सेब और सस्ते का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया लाल सेब सस्ते नहीं है, जितने भी कह रहा लाल सेब हैं वो सस्ते नहीं, तो लाल और सेब का सभी लाल और सस्ते का भी कोई संपर्क नहीं, इसलिए दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखें तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो 266 का हमारा कौन सा राइट हुआ दोस्तों, 266 का डी सेकंड निष्कर्ष में कहा गया कि लाल सेब सस्ते नहीं है, तो लाल सेब जितने भी हैं कह रहा सस्ते नहीं है, तो हाँ दोस्तों बात सही, सस्ते कहाँ है, यहाँ पे लाल और सस्ते का कोई संबंध नहीं, तो इसने सही कह रहा है लाल सेब सस्ते नहीं है, यानी सत्य कह रहा है। तो देखें दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष सेकंड तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 266 का कौन सा राइट बनेगा दोस्तों, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 266 के बाद दोस्तों, 267 नंबर, यहाँ पे कहा गया कुछ टमाटर लाल है, अब टमाटर का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे टमाटर है, टमाटर का कुछ हिस्सा हमने लाल कर दिया, तो ये हमने टमाटर का कुछ हिस्सा हमारा ये लाल हो गया। फिर कहा गया कुछ पीले हैं, टमाटर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, पीले भी हैं, कुछ लाल था, अब हम टमाटर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, पीले भी कर दे रहे हैं, टमाटर का कुछ हिस्सा पीले कर दिया, और कुछ हरे हैं, अब टमाटर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया कि हरे हैं, तो हमने यहाँ टमाटर का कुछ हिस्सा हरे भी कर दिया। फिर कहा गया सभी हरे खट्टे हैं, जितने भी हरे हैं वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खट्टे हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने हरों को क्या बना दिया, खट्टे बना दिया। फिर कहा गया कि और लाल में से कुछ मीठे हैं, लाल में से जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो मीठे हो जाएंगे, तो लाल का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लाल का कुछ हिस्सा क्या कर दिया, मीठा कर दिया। फिर अब अगर देखें दोस्तों, तो लाल का लाल में से कुछ मीठे हैं, ठीक है, अब निष्कर्ष में अगर देखते हैं तो निष्कर्ष में कहा गया कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं, कुछ पीले टमाटर, अब यहाँ पे पीले टमाटर कह रहा कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टमाटर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे पका हुआ है और कुछ नहीं पका हुआ है, तो यहाँ पे निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में कहा गया कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं, अब दोस्तों पीले टमाटर ये हैं और इसमें पके हुए शब्द को तो कहीं वर्णन ही नहीं किया गया, यानी कि क्वेश्चन में कथन में पका हुआ शब्द नहीं बताया गया, यानी पका शब्द नहीं बताया गया, इसलिए दोस्तों पीला और यहाँ टमाटर दिया गया, तो कुछ कहा कुछ पीले टमाटर पके हुए नहीं हैं, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे क्या कह दी गई है, टमाटर पके हुए की बात कह दी गई, तो ये गलत कह दी गई, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। अगला कहा गया कोई भी लाल टमाटर नहीं है, अब यहाँ पे कह रहा कोई भी लाल टमाटर नहीं, तो टमाटर का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे लाल हो रहा है ना, तो ये गलत कह दिया गया। फिर जो कह रहा खट्टा या मीठा है, तो ये यहाँ पे क्या कहा गया, गलत कहा गया, तो दोनों निष्कर्ष इसका पालन नहीं करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो 267 के बाद अगर हम देखें 268 नंबर, तो यहाँ पे दिया गया है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, अब जितने भी कुत्ते होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जानवर हो जाएंगे, हमने सभी कुत्तों को क्या बना दिया, जानवर बना दिया। फिर अगला क्वेश्चन में कहा गया कि सभी जानवर स्तनधारी हैं, जितने भी जानवर हैं वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे स्तनधारी हो जाएंगे, तो हमने सभी जानवरों को स्तनधारी कर दिया। अब अगर दोस्तों आगे देखें तो कहा गया कोई भी स्तनधारी चिड़िया नहीं है, कोई भी स्तनधारी जो है वो चिड़िया नहीं है, तो हमने यहाँ पे स्तनधारी और चिड़िया को अलग अलग कर दिया। तो अब अगर हम क्वेश्चन में निष्कर्ष में आ जाते हैं, निष्कर्ष में कहा गया कुछ कुत्ते चिड़ियाघर हैं, कुत्तों का कुछ हिस्सा कह रहा चिड़ियाघर हैं, तो चिड़ियाघर दोस्तों जो यहाँ पे कहा गया कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर नहीं है, तो चिड़ियाघर दोस्तों था ये चिड़िया नहीं है दोस्तों, केवल चिड़ियाघर है, तो हमने चिड़ियाघर के लिख लिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कुछ कुत्ते चिड़ियाघर में हैं, कुछ कुत्ते, कुत्ते और चिड़ियाघर का तो कोई संपर्क नहीं है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। फिर अगला कहा कुछ जानवर चिड़ियाघर हैं, जानवर का कुछ हिस्सा कह रहा चिड़ियाघर, तो ये भी बात दोस्तों गलत कही गई है। फिर कहा गया कुछ स्तनधारी चिड़ियाघर चिड़ियाघर में हैं, स्तनधारी का कुछ हिस्सा कह रहा चिड़ियाघर में है, तो ये भी गलत कहा गया है। फिर कहा गया कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है, यानी कि कोई भी कुत्ता जो होगा वो चिड़ियाघर में नहीं है, ये बात दोस्तों क्या है, सत्य है, कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं है, कुत्ते का कोई भी हिस्सा चिड़ियाघर में नहीं है,
तो ये सत्य कहाँ हो रहा है दोस्तों, कोई भी अच्छा नहीं है। हाँ तो दोस्तों ये बात सत्य हो जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे क्रॉस बना दिया है इसको सत्य मानेंगे। यानी कि क्या है यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया कोई भी कुत्ता, कोई भी कुत्ता चिड़ियाघर में नहीं, तो चिड़ियाघर से कोई संपर्क नहीं, इसलिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो देखें दोस्तों 268 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कुछ संपादक लेखक हैं। अब यहाँ पे हमने संपादक का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, लेखक बना दिया। तो हमने संपादक का कुछ हिस्सा लेखक कर दिया। फिर कहा गया सभी एक्टर लेखक हैं, जितने भी एक्टर होंगे वो सबका सब लेखक हो जाएंगे, तो लेखक के अंदर हमारा एक्टर आ जाएगा। तो ये हो गया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहा गया कुछ संपादक लेखक हैं, संपादक का कुछ हिस्सा दोस्तों लेखक हो रहा, तो ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर कहा गया कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, तो कोई संबंध नहीं है दोस्तों, तो ये क्या है, नहीं है। तो ये भी बात दोस्तों सत्य कही गई, कोई भी कह रहा एक्टर जो है वो संपादक नहीं है, तो सत्य ही तो कह रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें हम, तो कुल मिला के कह रहा कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, तो एक्टर का हमने क्या किया, कोई भी हिस्सा संपादक नहीं कर दिया। तो यहाँ पे देखें तो हमारे दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, सत्य हो गए। अब अगर हम इस डायग्राम को दूसरे अकॉर्डिंग बनाएं, तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ संपादक लेखक हैं। अब यहाँ पे संपादक का कुछ हिस्सा कह रहा लेखक है, तो हमने संपादक का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया, लेखक बना दिया। फिर कहा गया सभी एक्टर लेखक हैं, जितने भी एक्टर होंगे वो सबका सब अगर हमने कर दिया लेखक बना दिया, तो यहाँ पे सभी एक्टर को हमने लेखक बना दिया। और यहाँ पे देखें तो ये कुछ हिस्सा हमारे इधर जा भी रहा और हमारा कथन भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें, कह रहा कुछ संपादक लेखक हैं, तो ये तो हमारा सेकंड निष्कर्ष के अकॉर्डिंग सत्य रहेगा। लेकिन जो दूसरा है, यहाँ पे कहा गया कुछ कोई भी एक्टर संपादक नहीं है, कोई भी एक्टर कह रहा संपादक नहीं, तो यहाँ पे तो एक्टर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो रहा है, ये एक्टर है, एक्टर का कुछ हिस्सा संपादक हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। तो केवल निष्कर्ष यहाँ पे दोस्तों हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 269 का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 270 नंबर और 270 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी कवि पाठक हैं। अब जितने भी कवि हो जाएंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, सभी कवि हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पाठक हैं, तो हमने सभी कवि को क्या बना दिया, पाठक बना दिया। फिर कहा गया कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है, कोई भी पाठक जो है यहाँ पे वो बुद्धिमान नहीं है। अच्छा, कोई भी पाठक क्या नहीं है दोस्तों, बुद्धिमान नहीं है, तो हम पाठक और बुद्धिमान को क्या कर दें दोस्तों, अलग अलग कर दें। कह रहा कोई भी पाठक यहाँ पे बुद्धिमान नहीं है, हमने ये बना दिया डायग्राम। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट यानी कि बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। किसके साथ दोस्तों, बी के साथ ही क्वेश्चन राइट होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, फर्स्ट अनुसरण करता है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि नदियाँ पूजनीय हैं, सभी देवता पूजनीय हैं। यहाँ पे दो बातें कह दी गई हैं, पहला कहा गया नदियाँ पूजनीय हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक नदियाँ बना लिया, नदियाँ कह रहा पूजनीय हैं, तो नदियाँ जो हैं वो सब क्या हैं, पूजनीय हैं, नदियाँ पूजनीय हैं, तो पूजनीय के अंदर क्या हो जाएगा हमारा, नदियाँ हो जाएगा। तो हमने ये रख दिया, नदियों को पूजनीय बना दिया। फिर कहा गया सभी देवता पूजनीय हैं, सभी देवता जितने भी देवता होंगे वो सब पूजनीय हैं, तो देवता जो होंगे पूजनीय के अंदर आ जाएंगे, तो हमने ये बना दिया। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा डायग्राम बन गया। अब अगर हम निष्कर्ष में देखें, तो निष्कर्ष में कहा गया कि सभी नदियां देवता हैं, जितनी भी नदियां हैं कह रहा वो सबका सब देवता हैं, तो ये दोस्तों यहाँ पर गलत बात कह दी गई है। नदी और देवता में तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया सभी नदियाँ देवता हैं, तो यानी जितनी भी नदी हैं इन सभी नदियों को देवता के अंदर होना चाहिए था, तब ये सही होता, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, देवता और नदी का तो कोई संपर्क ही नहीं बन रहा, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहा गया सेकेंड निष्कर्ष में कहा गया कि सभी देवता नदियाँ हैं, जितने भी देवता हैं कह रहा वो सबका सब नदियाँ हैं, यानी कि इस बार क्या कहा है कि देवता को नदी के अंदर डाला है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा दोस्तों, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 271 के बाद दोस्तों 272 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि कुछ कौवे मोर हैं, कौवा का कुछ हिस्सा, ये कौवा है दोस्तों, ये कौवा का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे कहा गया है मोर है, तो हमने क्या किया दोस्तों, कौवे का कुछ हिस्सा मोर बना दिया। तो ये मान लीजिए ये कौवे का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, मोर बना दिया, ये हो गया मोर। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी मोर बतख हैं, जितने भी मोर हैं वो सब का सब हमारे क्या बन जाएंगे दोस्तों, बतख बन जाएंगे, तो हमने सभी मोरों को बतख बना दिया। अब अगले स्टेप में दोस्तों कहा है क्वेश्चन में कि कुछ बतख कबूतर हैं, कुछ बतख, बतख का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा क्या है, कबूतर है, तो हमने बतख का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, कबूतर बना दिया। अब हम निष्कर्ष में आ जाते हैं क्योंकि डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब निष्कर्ष में कहा गया कुछ बतख कौवा हैं, बतख का कह रहा कुछ हिस्सा, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ बतख का ये कुछ हिस्सा क्या बन रहा है, कौवा बन रहा है, तो ये बात सत्य है, इसने कहा भी है कि कुछ बतख कौवा हैं, बतख का कुछ हिस्सा कह रहा कौवा है, तो हाँ बात सत्य है दोस्तों। फिर कहा गया कुछ कबूतर मोर हैं, कुछ कबूतर, कबूतर दोस्तों यहाँ तक हैं, तो कह रहा ये कुछ कबूतर मोर हैं, कबूतर और मोर का तो कोई संपर्क नहीं बन रहा दोस्तों, तो इसलिए ये क्या कह रहा, गलत कह रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखें दोस्तों 272 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है, इसलिए दोस्तों 272 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 272 के बाद दोस्तों 273, और 273 में यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कोई भी आम संतरा नहीं है, कह रहा कोई भी आम, जितने भी आम हैं वो संतरा नहीं है, तो आम को हम क्या करेंगे, आम का कोई भी हिस्सा हम क्या करेंगे, संतरा नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमने आम और संतरा को अलग अलग कर दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी आम संतरा नहीं है, ठीक है, फिर कहा गया कोई भी संतरा सेब नहीं है, अब कोई भी संतरा जो है वो सेब नहीं है, तो हमने कोई भी संतरा को सेब नहीं बनाया, तो ये लीजिए हमने ऐसे बना दिया, यानी कि कोई भी संतरा इस बार सेब भी नहीं है, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो क्या दिया है, यहाँ पे कहा गया कुछ आम सेब हैं, अच्छा इसी में कह दिया गया कुछ आम सेब हैं, आम का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा सेब है, तो अब हम क्या करेंगे इस डायग्राम को, यानी कि सेब का कुछ हिस्सा क्या कर देंगे, हम आम बना देंगे, तो ये हमने जो ऐसे कर दिया है इसको ऐसा बना देते हैं, ये यहाँ से संतरा का कोई भी हिस्सा हम क्या करेंगे, सेब नहीं बनाएंगे, लेकिन जब संतरा का कोई भी हिस्सा हम सेब नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी कि कुछ आम, यानी आम का कुछ हिस्सा हम क्या कर देंगे, सेब से बना देंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये बना दिया, सेब बना दिया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में कहा गया कोई भी सेब आम नहीं है, कोई भी सेब कह रहा आम नहीं है, यहाँ पे तो सेब का कुछ हिस्सा दोस्तों आम बन रहा है, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब गलत कह रहा है। फिर कहा गया कोई भी सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, ये बात सही कही कि सेब का कोई भी हिस्सा संतरा नहीं बन रहा, तो ये तो बात सत्य हो गई। फिर कहा गया कुछ संतरे आम हैं, कुछ संतरे आम है, कह रहा संतरा का कुछ हिस्सा आम है, संतरा और आम में तो कोई संपर्क नहीं बन रहा, तो ये दोस्तों गलत कहा गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि चौथे निष्कर्ष में कहा गया कि सभी सेब आम हैं, जितने भी सेब हैं कह रहा वो सबका सब आम है, तो गलत कह रहा दोस्तों, यहाँ पे सेब का तो कुछ हिस्सा आम हो रहा है, तो इसका मतलब इसने क्या कहा है, गलत कहा है। देखें दोस्तों तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष हमारा सेकेंड अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 273 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया दोस्तों, धोनी बना लिया, धोनी जो होगा वो एक अच्छा बल्लेबाज हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया अच्छा बल्लेबाज, तो धोनी क्या हो गया दोस्तों, अच्छा बल्लेबाज बन गया। फिर अगले स्टेप में दोस्तों कहा गया है धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, ठीक, फिर कहा गया बल्लेबाज होशियार होते हैं, जो भी बल्लेबाज होते हैं वो सबका सब दोस्तों क्या होते हैं, होशियार होते हैं, सभी यानी जो बल्लेबाज हैं वो बल्लेबाज होशियार होते हैं, तो यहाँ पे हमने सभी बल्लेबाजों को होशियार कर दिया, तो यहाँ पे ये बन गया हमारा होशियार शब्द लिख गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा गया है निष्कर्ष में सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं, सभी होशियार लोग, जितने भी होशियार लोग हैं वो सबका सब क्या हैं, बल्लेबाज हैं, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे क्या कही गई है, कह रहा सभी होशियार बल्लेबाज हैं, तो दोस्तों गलत कही गई है, होशियार का कुछ हिस्सा बल्लेबाज बन रहा है, इसने तो कह दिया सभी होशियार बल्लेबाज हैं, तो ये इसने यहाँ पे गलत कह दिया। फिर कहा गया धोनी होशियार है, धोनी जो है वो होशियार के अंदर ही तो है दोस्तों, तो ये बात यहाँ पे सत्य कही गई है। तो देखें दोस्तों तो इस क्वेश्चन में केवल निष्कर्ष करता है ऑप्शन नंबर 274 का
ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 275 नंबर, और 275 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब कोई भी जो कुत्ता होगा, कोई भी कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं है, तो हमने कुत्ता और बिल्ली को दूर दूर कर दिया, यानी कि अलग अलग बना दिया, ठीक है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, बिल्लियों का कह रहा कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा, तो हमने बिल्ली का कुछ हिस्सा क्या बना दिया यहाँ पे दोस्तों, चूहा बना दिया। फिर कहा गया कि सभी चूहे सुअर हैं, जितने भी चूहे हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, सुअर हो जाएंगे, तो हमने इन सभी चूहों को क्या बना दिया यहाँ पे, सुअर बना दिया। अब ये तो हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब अगर हम देखें निष्कर्ष में, तो निष्कर्ष में कहा गया कि सभी कुत्ते चूहे हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो सबका सब कह रहा चूहे, तो कुत्ता और चूहा का कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए गलत हो गया। फिर कहा गया कि सभी सुअर चूहे हैं, जितने भी सुअर हैं वो कह रहा सबका सब चूहे हैं, तो गलत कहा गया दोस्तों। यहाँ पे सुअर का तो कुछ हिस्सा चूहा बन रहा है ना, तो इसने तो कह दिया सभी सुअर चूहा है, तो गलत कहा है, सभी सुअर चूहे नहीं है, सुअर का कुछ हिस्सा दोस्तों चूहा हो रहा है, फिर इसलिए गलत हो गया। अब थर्ड देखते हैं, तो कहा गया कुछ सुअर बिल्ली हैं, सुअर का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों बिल्ली है, तो ये बात दोस्तों इसने सही कही है, सुअर का देखिए यहाँ पे कुछ हिस्सा बिल्ली बन रहा है, तो ये बात सत्य है, कुछ सुअर बिल्ली हैं, तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पे सत्य हो गया तीसरा निष्कर्ष। अब चौथा निष्कर्ष में आते हैं, कहा गया कोई सुअर कुत्ता नहीं है, सुअर का कह रहा कोई भी हिस्सा जो है कुत्ता नहीं है, सुअर का कोई भी हिस्सा दोस्तों कह रहा कुत्ता नहीं है, कोई सुअर कुत्ता नहीं है, कोई भी सुअर कह रहा कुत्ता नहीं है, तो अब यहाँ पे तो दोस्तों ये बात सही कही गई है कि कोई सुअर कुत्ता नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे, यानी कि कोई सुअर कुत्ता नहीं है तो बात सही है दोस्तों, सुअर का कोई भी हिस्सा कुत्ता नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हमने कंडीशन बता रखी है, यहाँ पे अगर हम जो सही हुए हैं उनको गलत करने का प्रयास करें और कथन भी हमारा चेंज ना हो, तो देखते हैं क्या हम इसको गलत कर पाएंगे या फिर हमारे कथन भी चेंज ना हो, ऐसा कर पाएंगे तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हम ऐसा करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने जो सबसे पहले निष्कर्ष कथन में कहा है कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो हमने कुत्ता का कोई भी हिस्सा बिल्ली नहीं बनाया, यानी कि अलग अलग इनको कर दिया, तो ये हमारा डायग्राम पहले अकॉर्डिंग हो गया। फिर कहा गया कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूहा बन बिल्ली हाँ कुछ बिल्लियाँ चूहा है, बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे चूहा बन जाएगा, तो इस जगह पे हमको क्या लिखना चाहिए दोस्तों, चूहा लिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे बिल्ली का कुछ हिस्सा बना दिया दोस्तों, चूहा बना दिया। फिर कहा गया कि सभी चूहे सुअर हैं, जितने भी चूहा हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, सुअर हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे सभी चूहों को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये सभी चूहों को क्या बना दिया, सुअर बना दिया, ये सुअर बना दिया। अब हमने इस प्रकार डायग्राम बना दिया, तो हमारा कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा। अब जो सही हुए हैं, गलत होते हैं जो, उनको दोस्तों हमको गलत ही रखना है, यानी जो गलत हो जाएं, ये हमारा फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग था। अब हम सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो हमारे गलत हैं तो उनको गलत ही कर देंगे। अब हम आएंगे जो सही है उसको देखेंगे। सही वाला कहा गया तीसरे में कि कुछ सुअर बिल्ली हैं, सुअर का कह रहा कुछ हिस्सा बिल्ली है, तो दोस्तों हाँ सुअर का कुछ हिस्सा बिल्ली है, यहाँ भी हो रहा पहले वाले में भी हो रहा था, यानी कि ये बात दोस्तों तीसरी क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर चौथा कहा गया है कोई सुअर कुत्ता नहीं है, इसने कह दिया कि कोई सुअर कुत्ता नहीं, सुअर का कोई भी हिस्सा जो है कह रहा कुत्ता नहीं है, तो यहाँ पे तो सुअर का कुछ हिस्सा दोस्तों कुत्ता बनने लगा ना, तो इसलिए दोस्तों तीसरा वाला फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो कुल मिला के तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 275 का बी हमारा राइट होगा। और बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि कौन सा राइट बनेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 276 नंबर, और 276 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ शेर बाघ हैं, शेर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या बता दिया गया है, बाघ है, तो हमने शेर का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, यहाँ पे बाघ बना दिया, ठीक है, ये हो गया, कुछ शेर बाघ होते हैं, ठीक, हमने शेर का कुछ हिस्सा यहाँ पे बाघ बना दिया। फिर कहा गया कुछ बाघ हाथी हैं, बाघ का कह रहा है कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, हाथी हैं, तो हमने यहाँ पे बाघ का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे हाथी बना दिया। अब अगले स्टेप में यहाँ पे बाघ का कुछ हिस्सा हमारा हाथी बन गया। अब देखें तो कहा गया सभी हाथी बंदर हैं, अब यहाँ पे कह दिया जितने भी हाथी हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, बंदर हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने सभी हाथियों को क्या बना दिया, बंदर बना दिया,
ठीक है। फिर कहा है सभी बंदर मानव हैं, अब जितने भी बंदर हुए होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, मानव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी बंदरों को मानव बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब हम निष्कर्ष में देखते हैं, कहा गया कुछ मनुष्य बाघ होते हैं, करा कुछ मनुष्य बाघ होते हैं, मनुष्यों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, बाघ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो मनुष्य यानी मानव बात वही है दोस्तों, चाहे मनुष्य कहें या मानव कहें बात वही है, मानव का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बाघ हो रहा है। तो यानी कि ये निष्कर्ष दोस्तों सही कहा है। फिर अगर हम कह दें अगला निष्कर्ष दोस्तों है उसको देखते हैं, इसमें कहा गया कुछ बंदर बाघ होते हैं, बंदर का कुछ हिस्सा कह रहा बाघ होता है, तो हाँ यहाँ भी दोस्तों बंदर का कुछ हिस्सा दोस्तों देख लीजिए बाघ हो रहा है। तो हमारा ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करें दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज होने लगेंगे, लेकिन हम इसको गलत नहीं कर पाएंगे, यानी कि गलत करेंगे भी जबरदस्ती दोस्तों करके तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज हो जाएगा। हमने बता रखा है कथन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के दोनों सत्य रहेंगे, यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 276 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट अथवा सेकेंड अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, निष्कर्ष फर्स्ट अथवा सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सी में दिया गया है तो ये हमारा अलग बात हो जाएगी, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों यहाँ पे, डी, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। यहाँ पे जो हमने सी में बता दिया था तो सी का मतलब ये हो जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट करेगा अथवा सेकंड करेगा, ये कहने का मतलब, ये तो फर्स्ट करेगा तो सेकंड नहीं करेगा, सेकंड करेगा तो फर्स्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे जो हमारा दोनों कर रहे हैं तो इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 276 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो 277 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि सभी सेब लाल हैं, जितने भी सेब हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है हमारे, लाल हैं, तो हमने सभी सेब को लाल बना दिया। फिर कहा गया कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है, कोई भी मतलब लाल जो फल है वो सस्ता नहीं है, तो लाल का कोई भी फल क्या होगा, सस्ता नहीं होगा, तो हमने लाल का कोई भी फल सस्ता नहीं किया। फिर निष्कर्ष में कहा गया कि सभी सेब सस्ते हैं, जितने भी सेब होंगे कह रहा वो सबका सब सस्ते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये गलत कह दिया गया है, सभी सेब सस्ते हैं, सेब और सस्ते का तो कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो गया पहला निष्कर्ष। अब हम दूसरा देखें तो कह रहा लाल सेब सस्ते नहीं हैं, लाल सेब सस्ते नहीं हैं, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है, लाल और लाल जो सेब हैं, लाल जो सेब हैं उनका संपर्क सस्ते से नहीं है, इसने नहीं कहा भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बात सत्य हो जाएगी। तो देखें दोस्तों अब इसको गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम गलत कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा ए पे दिया गया है, इसलिए 277 का हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और 278 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सभी लाल गुलाबी हैं, जितने भी लाल दिए गए हैं वो सबका सब यहाँ पे क्या है, गुलाबी हैं, तो हमने सभी लाल को क्या बना दिया दोस्तों यहाँ पे, गुलाबी बना दिया। फिर यहाँ पे कहा गया है कि कुछ गुलाबी काले हैं, गुलाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा क्या है, काले हैं, तो हमने गुलाबी का कुछ हिस्सा यहाँ पे काला बना दिया। फिर कहा गया है कि कुछ काले नीले हैं, काले का इस बार कह रहा कुछ हिस्सा क्या है, नीला है, तो हमने काले का कुछ हिस्सा नीला बना दिया। फिर कहा गया कुछ सभी नीले सफ़ेद हैं, अब जितने भी नीले हुए होंगे वो सबका सब हमारे क्या बन जाएंगे, सफ़ेद बन जाएंगे, तो हमने सभी नीलों को क्या बना दिया यहाँ पे, सफ़ेद बना दिया। अब ये तो हो गया हमारा कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम हमने कंप्लीट किया। और अब हम अगर देखें निष्कर्ष में आ जाएं दोस्तों, तो निष्कर्ष में कहा गया है कि कुछ काले सफ़ेद हैं, काले का कुछ हिस्सा कह रहा सफ़ेद है, दोस्तों बात सत्य है, यहाँ पे देखिए काले का कुछ हिस्सा दोस्तों सफ़ेद हो रहा है, तो ये तो बात हो गई हमारी क्या हो गई, बिल्कुल सत्य हो गई। अब अगर हम सेकंड निष्कर्ष देखते हैं तो सेकंड निष्कर्ष में कहा गया कुछ नीले गुलाबी हैं, नीले का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा गुलाबी है, तो नीला तो हमारा यहाँ तक है और गुलाबी ये यहाँ है, तो नीला और गुलाबी का तो यहाँ पे कोई संपर्क नहीं बन रहा है यहाँ पे देखें तो ये संपर्क नहीं बन रहा, जिसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर हम तीसरा देखें निष्कर्ष में कहा गया कुछ गुलाबी लाल है, कह रहा गुलाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों लाल है, तो ये बात बिल्कुल दोस्तों सत्य कह दी गई है, गुलाबी का कुछ हिस्सा तो दोस्तों लाल है, तो ये बात सत्य हो गई। फिर कहा गया कोई लाल सफ़ेद नहीं है,
कोई लाल सफ़ेद नहीं है, तो लाल हमारा यहाँ पे है, सफ़ेद हमारा यहाँ पे है, तो लाल और सफ़ेद का कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कह रहा कोई लाल सफ़ेद नहीं है, तो ये बात भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे सत्य कही गई है, कोई भी लाल सफ़ेद नहीं है, बात बिल्कुल सत्य है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो निष्कर्ष जितने भी हमारे सही हुए हैं इनको हम गलत करने का प्रयास करें, अगर सेकंड डायग्राम बनाएं तो सेकंड डायग्राम हमारा बन भी जाएगा, फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग हमारा था। तो अगर दोस्तों हम क्या करें, जो ये सही हुए हैं इनको गलत करने का प्रयास करें और सेकंड डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो सेकंड डायग्राम हमारा बन भी जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि सभी लाल गुलाबी हैं, जितने भी लाल हैं वो सबका सब कह रहा क्या है दोस्तों, गुलाबी हैं। तो हमने सभी लाल को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ से गुलाबी बना दिया, तो हमने ये सभी लाल हमारे क्या हो गए दोस्तों, गुलाबी हो गए। फिर कहा गया है कि कुछ गुलाबी काले हैं, गुलाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों, हमने यहाँ पे गुलाबी का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे काला बना दिया। फिर कहा गया है कुछ काले नीले हैं, कुछ काले, काले का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नीला हो जाएगा। फिर कहा गया सभी नीले सफ़ेद हैं, जितने भी नीले हैं, तो मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ से अगर लिया तो ये सभी नीले हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सफ़ेद कहा है, तो हमने क्या किया सभी नीलों को सफ़ेद बना दिया, ऐसे करके सभी नीले सफ़ेद हैं। तो दोस्तों हमने ये यहाँ से लिया डायग्राम और सभी नीलों को क्या कर दिया, यहाँ से सफ़ेद बना दिया, ये हमारे सभी नीले क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पे सफ़ेद हो गए। अब अगर हम डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे कहा गया है, अब हम इनको गलत, जो जो सही हुए हैं, जो गलत है तो उसको सेकंड वाला गलत है उसको गलत ही रखेंगे, जो सही हुआ है इनको गलत करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कुछ काले सफ़ेद हैं, काले का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा सफ़ेद है, तो हाँ ये काला का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद में हो रहा है। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे हमारी क्या है, पहली वाली सत्य हो गई, फिर सेकंड वाली तुम्हारा गलत ही रहेगा। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड गया है कि कुछ गुलाबी लाल हैं, गुलाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा लाल है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों गुलाबी का कुछ हिस्सा दोस्तों लाल हो भी रहा है, ये गुलाबी हैं इतने सारे, उसका कुछ हिस्सा लाल हो रहा, तो ये बात दोस्तों सत्य हो गई। फिर तीसरा कहा, फोर्थ कहा गया है, चौथा यानी कि कोई लाल सफ़ेद नहीं है, कोई भी लाल सफ़ेद नहीं है, कह रहा लाल का कोई भी हिस्सा दोस्तों सफ़ेद नहीं है, तो ये गलत कह दिया गया, लाल का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे सफ़ेद हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर देखें तो हमारा सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये हमारा सेकंड डायग्राम था, सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड पालन करते हैं। यहाँ पे देखें तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष और थर्ड उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो 278 का कौन सा ऑप्शन राइट हुआ दोस्तों, 278 का डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि पी जो है क्यू का भाई है, पी जो होगा वो क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, तो हमने यहाँ पे पी बना, क्यू प्लस बना दिया, और यानी कि हम मेल को यानी पुरुषों को प्लस से और फीमेल को यानी कि महिलाओं को माइनस से डिनोट करेंगे। तो कहा गया क्यू का भाई जो है पी है, क्यू का भाई यहाँ पे पी है, तो अभी क्यू को हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्यू का भाई मतलब क्यू का भाई पी है, तो क्यू का जो भाई होगा वो पी है, तो पी जो होगा वो हमारा यानी कि मेल हो जाएगा। फिर कहा गया आर पी का भाई है, आर जो होगा वो किसका भाई होगा, पी का भाई होगा, पी का भाई होगा आर, ये हमने आर रख दिया, ये यहाँ पे प्लस इसको बना दिया। तो अब हमको यहाँ पे पूछा गया निष्कर्ष में क्यू एक लड़की है, क्यू एक लड़का है, तो दोस्तों हाँ ये बात यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगी, मतलब या तो क्यू हमारा लड़का हो जाएगा तो पी हमारी लड़की बन जाएगी, तो या फिर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू एक लड़की है, अगर हम क्यू को एक लड़की मानेंगे तो क्यू एक लड़का भी हो सकता है, क्यू क्या हो जाएगा लड़का भी हो सकता है, यानी कि कुल मिला के क्यू क्या होगी, एक लड़की भी हो, लड़की है या फिर क्यू एक लड़का, दोनों में से कोई भी एक सत्य हो सकता है। निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड उपयुक्त है, यानी कि देखें तो 279 का डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा, या तो दोस्तों यहाँ पे क्यू एक लड़की बन जाएगी या तो फिर क्यू एक लड़का होगा, दो में से यही एक बात होगी। तो इस यहाँ पे देखें दोस्तों तो ऐसा ऑप्शन में हमारा दिया गया, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड ऑप्शन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 279 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि कुछ फ्लैट अपार्टमेंट हैं, फ्लैट का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपार्टमेंट है, यहाँ पे अपार्टमेंट है, हमने फ्लैट का कुछ हिस्सा अपार्टमेंट कर दिया, कोई भी अपार्टमेंट हाल नहीं है, कोई भी अपार्टमेंट कह रहा हाल नहीं है, तो हमने अपार्टमेंट का कोई भी हिस्सा हाल नहीं बनाया। फिर कहा गया कुछ हाल कमरे हैं, हाल का कुछ हिस्सा कह रहा कमरे हैं, तो हमने हाल का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, कमरा बना दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें निष्कर्ष में कुछ हाल कमरे हैं, तो हमने हाल का कुछ हिस्सा यहाँ पे कमरा बना दिया।
अब निष्कर्ष में देखते हैं, कहा गया कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं। तो यहाँ पे देखें तो कमरे का कोई भी हिस्सा फ्लैट नहीं बन रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो कमरे का कोई भी हिस्सा फ्लैट नहीं बन रहा इसने, लेकिन कहा कि कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, तो ये बात इसने क्या कही है, गलत कही है। यानी कि कमरे का तो कोई हिस्सा फ्लैट से संबंधित नहीं बन रहा, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, कोई भी अपार्टमेंट कह रहा कमरा नहीं है, तो ये भी बात दोस्तों गलत है। यानी कि कोई भी अपार्टमेंट कमरा नहीं है, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है। तो यहाँ पे देखें कह रहा कोई भी अपार्टमेंट कमरा नहीं है, तो अभी तो यहाँ पे अपार्टमेंट का कोई हिस्सा कमरा नहीं दिख रहा, तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर में अभी हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को अगर हम इस अकॉर्डिंग बना दें, ये हमारा डायग्राम फर्स्ट था, अगर हम सेकेंड डायग्राम बना दें तो यहाँ पे जो कहा गया है कि फ्लैट का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, यहाँ पे अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे हमने फ्लैट का कुछ हिस्सा दोस्तों अपार्टमेंट बना दिया। फिर अगले स्टेप में कहा गया है कि अपार्टमेंट का कोई भी हिस्सा दोस्तों जो है वो हाल नहीं है, तो हमने अपार्टमेंट का कोई हिस्सा हाल नहीं किया। फिर कहा गया हाल का कुछ हिस्सा दोस्तों कमरा है, तो हाल का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे कमरे से ले लिया और इधर अपार्टमेंट से भी ले लिया। यानी कि हमारे कथन जैसा कह रहा हाल का कुछ हिस्सा कमरा है, तो यहाँ पे हमने हाल का कुछ हिस्सा यहाँ पे देखिए कमरा ले लिया। तो अब यहाँ पे अगर जो हमारा पहला गलत है तो उसको हम गलत ही करेंगे। सेकंड जो हमारा कह रहा है कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, तो अपार्टमेंट का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ देखिए अब कमरा बनने लगा है ना, अब हमारा कथन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत सिद्ध हो गया। अब हमने इसको क्या किया, गलत सिद्ध कर दिया और हमारे कथन भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब कुल मिला के ये बात हो गई कि यहाँ पे दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, यानी कि 280 का हमारा कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा सेकंड डायग्राम था। तो यहाँ पे दोस्तों देखें 280 का हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, इन क्वेश्चनों को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन जल्द ही समझ में आने लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है 281 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कोई शेर बाघ नहीं है, शेर का कह रहा कोई भी हिस्सा बाघ नहीं है, तो हमने शेर और बाघ को अलग अलग कर दिया। फिर कहा गया कोई बाघ तेंदुआ नहीं है, कह रहा बाघ का कोई भी हिस्सा क्या कह रहा, तेंदुआ नहीं है, तो हमने तेंदुआ को भी अलग कर दिया। यानी कि ये हमने तेंदुआ यहाँ पे बना दिया, कोई बाघ तेंदुआ नहीं है। अब निष्कर्ष में अगर देखें तो कहा गया कोई शेर तेंदुआ नहीं है, कोई भी शेर तेंदुआ नहीं है, बात बिल्कुल दोस्तों सत्य है। फिर कहा गया सभी तेंदुए शेर हैं, जितने भी तेंदुआ हैं कह रहा वो सबका सब शेर है, तो यहाँ पे दोस्तों ये बात गलत कही गई है। यानी कि यहाँ पे देखें तो तेंदुआ इसने कहा गया कि सभी तेंदुए शेर हैं, तो शेर और तेंदुआ का तो कोई यहाँ पे संपर्क ही नहीं हो रहा है। इसलिए अगर देखें तो कुल मिला के अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पहला निष्कर्ष हमारा सही है, दूसरा गलत है। अब अगर इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा अलग डिफरेंट करके बनाएं तो हमारा अलग डिफरेंट बन भी जाएगा। कहा गया कोई कह गया कि कोई शेर बाघ नहीं है, तो हमने शेर का कोई भी हिस्सा क्या किया दोस्तों, बाघ नहीं बनाया। शेर का कोई भी हिस्सा हमने क्या किया, ये बाघ नहीं बनाया। फिर कहा गया कोई भी शेर बाघ नहीं है, ठीक है ये हो गया। फिर कहा गया कोई बाघ तेंदुआ नहीं है, कोई बाघ तेंदुआ नहीं है, तो हमने बाघ से तेंदुआ का कोई संपर्क ना करके कोई बाघ तेंदुआ नहीं है हमने यहाँ शेर से कर दिया दोस्तों, यहाँ पे क्या कर दिया, तेंदुआ लिख दिया, तेंदुआ हो गया। अब अगर देखें यहाँ पे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कोई शेर तेंदुआ नहीं है, कोई भी शेर कह रहा तेंदुआ नहीं है, तो यहाँ पे तो दोस्तों अगर देखें तो शेर का कुछ हिस्सा तेंदुआ बन रहा ना, तो ये बात अब क्या हो जाएगी, पहली बात जो हमारी सत्य थी अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर कहा गया सभी तेंदुए शेर हैं, कह रहा जितने भी तेंदुआ हैं वो सबका सब शेर हैं, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, तेंदुआ का कुछ हिस्सा दोस्तों शेर हो रहा है, तो ये बात दोस्तों गलत कही गई है। तो देखें दोस्तों सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग तो दोनों निष्कर्ष हमारे अनुसरण नहीं करते हैं, यानी कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 281 के बाद दोस्तों 282 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है कहा गया है कि सभी गैसें पानी हैं, जितने भी गैस हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारी पानी है, तो हमने सभी गैसों को क्या कर दिया, यहाँ पे पानी कर दिया।
फिर कहा गया कुछ पत्थर गैसे हैं, पत्थर का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है क्या है, वो गैस है। पत्थर का कुछ हिस्सा दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, पत्थर का कुछ हिस्सा हमने क्या किया, गैस बना दिया, पत्थर का कुछ हिस्सा हमने गैस कर दिया। फिर कहा गया कि सभी पत्थर द्रव हैं, जितने भी पत्थर हैं वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे द्रव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पत्थर को द्रव बना दिया। अब क्या कहा गया है, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में कहा गया कुछ पानी पत्थर हैं, खैर अब पानी का कुछ हिस्सा दोस्तों पत्थर है तो बात सही कही गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए पानी का, ये पानी का कुछ हिस्सा पत्थर हो रहा है तो ये बात हो गई सत्य। फिर कहा गया कुछ गैसें द्रव हैं, कुछ गैस, गैस का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों द्रव है तो हाँ यहाँ पे गैस का कुछ हिस्सा द्रव भी दोस्तों बन रहा, तो ये भी बात सत्य हो गई। फिर कहा गया कोई पत्थर पानी नहीं है, कोई भी पत्थर कह रहा पानी नहीं है तो गलत कहा गया। पत्थर का तो कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे साफ दिख रहा है, पानी बन रहा है ना, तो यहाँ पे ये बात गलत कही गई है। तो कुल मिला के देखें दोस्तों तो यहाँ पे 282 के हमारे दो उपयुक्त हैं, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त हैं, ऐसा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों 282 में, ए ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा 282 का निष्कर्ष केवल फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त है। अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों गलत नहीं कर पाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, कथन चेंज होने लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारे यही सत्य रहेंगे दोस्तों, 282 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई पत्रिका टोपी नहीं है। अब कह रहा है पत्रिका का कोई भी हिस्सा टोपी नहीं है, तो हमने पत्रिका और टोपी को क्या किया, अलग अलग कर दिया। फिर कहा गया है सभी टोपी कैमरे हैं, अब जितनी भी टोपी होंगी वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, कैमरा हो जाएंगे। तो हमने सभी टोपी को क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे कैमरा बना दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सभी टोपी जो है हमारा कैमरा बन गया, तो हमने ये सभी टोपियों को क्या बना दिया, कैमरा बना दिया। अब यहाँ पे कहा गया, अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कोई कैमरा पत्रिका नहीं है, कैमरा का कह रहा कोई भी हिस्सा पत्रिका नहीं है दोस्तों, बात सही कही गई है, कैमरा का कोई हिस्सा पत्रिका नहीं हो रहा है। फिर कहा गया कुछ कैमरे पत्रिका हैं, कह रहा कैमरे का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है इस बार पत्रिका है, तो ये तो बात दोस्तों गलत कही गई है, यानी कैमरा का यहाँ पर तो कोई भी हिस्सा पत्रिका नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे कुल मिला के क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। अब अगर इसी डायग्राम को हम इस प्रकार से बना दें दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है दोस्तों, पत्रिका, तो हमने यहाँ पे पत्रिका लिख दिया, और उसके बाद कह रहा पत्रिका का कोई भी हिस्सा टोपी नहीं है, तो हमने पत्रिका और टोपी को क्या किया, अलग अलग कर दिया, तो ये हमारा अलग हो गया। फिर कह रहा सभी टोपी हमारे क्या है, कैमरा है, तो हमने सभी टोपियों को कैमरा बना दिया, थोड़ा सा पत्रिका से भेज ले लिया हमने, तो ये हो गया कैमरा हो गया। अब अगर देखें, अब इस निष्कर्ष के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे कहा गया कोई कैमरा पत्रिका नहीं है, कैमरा का कोई भी हिस्सा कह रहा पत्रिका नहीं है, तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। कैमरा का तो कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पत्रिका बनने लगा ना। और फिर अगली बार में कहा गया कुछ कैमरे पत्रिका हैं, कैमरे का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा पत्रिका है, तो हाँ ये बात दोस्तों सत्य हो जाएगी, कैमरे का कुछ हिस्सा दोस्तों पत्रिका हो भी रहा है। तो यहाँ पे देखें तो दोनों निष्कर्षों में हमारा, दोनों डायग्राम पे हमारे, हमसे ये पता चला कि या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकेंड सही होगा। निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकेंड, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकेंड उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 283 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 284 नंबर, और 284 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी घास वृक्ष हैं, जितने भी घास होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, वृक्ष बन जाएंगे, तो हमने सभी घास को वृक्ष बना दिया। फिर कहा गया कि कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, कोई भी वृक्ष जो है वो क्या है, वो झाड़ी नहीं है, तो हमने क्या किया, सभी वृक्षों को झाड़ी बना दिया। अब यहाँ नहीं, सभी कह रहा कोई वृक्ष झाड़ी नहीं, वृक्ष और झाड़ी से कोई संबंध नहीं होगा, तो हमने इनको अलग बना दिया, झाड़ी को क्या किया, वृक्ष से अलग कर दिया। फिर अब निष्कर्ष में आते हैं, निष्कर्ष में कहा गया कोई घास झाड़ी नहीं है, कह रहा घास का कोई भी हिस्सा जो है वो झाड़ी नहीं है, तो बिल्कुल बात दोस्तों सही कही गई है, घास का कोई झाड़ी से संबंध ही नहीं हो रहा है, इसने यही बात कही भी है, तो कह रहा कोई घास झाड़ी नहीं है, तो हाँ भाई दोस्तों सही है दोस्तों, घास का कोई भी हिस्सा झाड़ी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ झाड़ियाँ घास हैं, कह रहा झाड़ी का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कह रहा घास है, तो गलत कह दिया ना, झाड़ी और घास का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों,
तो हमारा निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण नहीं करता है। अगर हम फर्स्ट वाले को गलत करने का प्रयास करेंगे तो झाड़ी हमारा जब ये घास के अंदर आएगा तो इसने कह रखा है वृक्ष और झाड़ी से कोई संबंध नहीं, तो वृक्ष और झाड़ी संबंध होने लगेगा, यानी कथन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे, यानी कि हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 285 नंबर और 285 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे जो दिया है, कहा गया है कि क्वेश्चन में कि कोई भी छात्र एमबीए नहीं है। अब यहाँ पे कह दिया गया है कि छात्र का कोई भी हिस्सा जो है वो एमबीए नहीं है, तो हमने छात्र का कोई भी हिस्सा एमबीए नहीं किया। फिर कहा गया सभी एमबीए स्नातक हैं, जितने भी छात्र एमबीए किए हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, स्नातक हैं, तो हमने सभी छात्रों को एमबीए वालों को स्नातक बना दिया। अब यहाँ पे अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में कहा गया है कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, कोई भी छात्र कह रहा क्या है, स्नातक नहीं है, तो कोई भी छात्र जो है वो स्नातक नहीं है, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसने सही कहा है कि कोई भी छात्र, छात्र का कोई भी हिस्सा स्नातक नहीं हो रहा, तो ये बात दोस्तों क्या कहा है, सही कहा है इसने। तो फिर देखें अगर, तो अगर हम अगला देख लें तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ स्नातक एमबीए हैं, कुछ स्नातक, स्नातक का कह रहा कुछ हिस्सा एमबीए है, तो हाँ स्नातक का कुछ हिस्सा एमबीए है दोस्तों, तो ये भी बात दोस्तों क्या हो गई, सत्य हो गई। अब अगर हम इनको गलत करने का प्रयास करें तो हम क्या करें, डायग्राम बनाते हैं, तो कहा गया कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, तो हम कह देंगे कुछ छात्र स्नातक हैं, तो हमने पहले डायग्राम बनाया, कह रहा कोई भी छात्र एमबीए नहीं, तो हमने छात्र का कोई भी हिस्सा एमबीए नहीं बनाया, तो ये हमारा एमबीए और छात्र अलग अलग हो गए। फिर कहा गया सभी एमबीए स्नातक है, जितने भी एमबीए हैं वो सबका सब स्नातक हो जाएंगे, हमने थोड़ा छात्र से भी ले लिया, तो ये हमारा बन गया स्नातक का हो गया। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष फर्स्ट देखते हैं, तो कहा गया कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, तो अब छात्र का तो दोस्तों कुछ हिस्सा यहाँ पे स्नातक बनने लगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, कोई भी छात्र स्नातक नहीं, तो छात्र का कुछ हिस्सा स्नातक बनने लगा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड में कहा गया कुछ स्नातक एमबीए हैं, स्नातक का कह रहा कुछ हिस्सा एमबीए है, तो हाँ दोस्तों ये बात दोस्तों यहाँ पे क्या कही गई, सही कही गई है, तो कोई भी छात्र स्नातक कह रहा कुछ स्नातक एमबीए, हाँ स्नातक का कुछ हिस्सा एमबीए बन रहा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के हमको बात ये पता चली, केवल निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो रहा, सेकंड अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन दिया गया ए में, तो केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त होगा। 285 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 286 नंबर और 286 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। अब बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कुत्ता हो जाएगा, तो बिल्ली का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कुत्ता बना दिया, बिल्ली का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो गया, कुत्ता हो गया। फिर कहा गया कोई कुत्ता मछली नहीं है। अब यहाँ पे कहा गया कुत्ते का कोई भी हिस्सा जो होगा वो मछली नहीं होगा, तो हमने कुत्ते का कोई भी हिस्सा क्या किया, मछली नहीं बनाया। अब देखते हैं, तो कहा गया निष्कर्ष में कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते, कुत्ते का कुछ हिस्सा कह रहा बिल्ली है दोस्तों, हाँ कुत्ते का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा, बिल्ली है, तो यहाँ पे ये बात सत्य हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दिया गया, कहा गया कुछ बिल्ली मछली नहीं है, तो बिल्ली का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा मछली नहीं है, कुछ हिस्सा मछली होगा भी, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सत्य कैसे हो जाएगा, अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कहा गया कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो यहाँ पे बिल्ली का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कह रहा कुत्ते हैं, तो बिल्ली का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कुत्ता कर दिया। फिर कह रहा कोई कुत्ता मछली नहीं है, कुत्ते का कोई भी हिस्सा मछली नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे कुत्ते का कोई भी हिस्सा मछली ना करके हमने बिल्ली से थोड़ा सा कर दिया, तो यहाँ पे हमने ये हो गया हमारा मछली। अब अगर हम सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो बिल्ली का कुत्ते का कुछ हिस्सा दोस्तों बिल्ली हो रहा, तो बात पहली हमारी बात क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर दूसरा कहा गया कुछ बिल्ली मछली नहीं है, बिल्ली का कह रहा कुछ हिस्सा मछली नहीं है, अब कुछ होंगे भी, तो बिल्ली का कुछ हिस्सा मछली हो भी रहा, कुछ नहीं भी हो रहा, तो हमारा दोस्तों दूसरा भी राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखें तो हमारा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 286 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 287 नंबर, और 287 नंबर में हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सभी किताब क्या हैं, खिलौने हैं, जितने भी किताब हैं वो सब का सब दोस्तों हमारे क्या हैं, खिलौने हैं,
हमने सभी किताबों को यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पे खिलौना बना लिया। सभी किताबों को हमने क्या कर लिया, खिलौना बना लिया। फिर कहा गया कोई खिलौना काला नहीं है, खिलौने का कोई भी हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, काला नहीं है। तो हमने खिलौने का कोई भी हिस्सा काला नहीं बनाया। अब निष्कर्ष में कहा गया कोई किताब काली नहीं है, किताब का कोई भी हिस्सा कह रहा काली नहीं है। बिल्कुल बात दोस्तों सही कह रहा, किताब और काले का तो कोई संबंध नहीं हो रहा, यानी यही बात इसने कहा भी है, कोई भी किताब काली नहीं है, तो बात सत्य है। फिर कहा गया कुछ किताबें काली हैं, तो किताबों का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, काली हैं। तो ये बात दोस्तों यहाँ पे गलत कह दी गई है। तो देखें दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष यहाँ फर्स्ट उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 287 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 288 नंबर में ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि सभी सोना प्लेटिनम है, जितने भी सोना होंगे वो सब का सब हमारे दोस्तों क्या बन जाएंगे, प्लेटिनम बन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रख दिया प्लेटिनम, सभी सोना हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लेटिनम हो गए। अब अगर दूसरा बातों में देखें, कहा गया कुछ प्लेटिनम चांदी है, प्लेटिनम का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चांदी है। प्लेटिनम का कुछ हिस्सा यहाँ पे हमने चांदी बना दिया। फिर कहा गया सभी चांदी हार हैं, जितनी भी चांदी होंगी वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, हार हो जाएंगे। तो हमने सभी चांदियों को क्या बना दिया दोस्तों, हार बना दिया। अब ये तो हो गया, हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे निष्कर्ष देखें, तो कहा गया कुछ हीरे प्लेटिनम हैं, कुछ हीरे, हीरे का मतलब दोस्तों, अच्छा यहाँ पे दोस्तों सभी चांदी हीरे हैं कहा गया। तो हमने दोस्तों ये हार जो कह लिया है, यहाँ पे हीरे शब्द लिखा था इसके लिए सॉरी, यहाँ पे कहा गया कि सभी चांदी हीरे हैं, तो हमने दोस्तों सभी चांदियों को हीरा बना दिया। अब क्वेश्चन निष्कर्ष में कहा गया कुछ हीरे प्लेटिनम है, यानी कि हीरे का कुछ हिस्सा दोस्तों प्लेटिनम है। हाँ दोस्तों हीरे का कुछ हिस्सा दोस्तों प्लेटिनम हो रहा, तो ये बात सत्य हो गई। फिर कहा गया कुछ हीरे सोना है, हीरे का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा सोना है, तो हीरा और सोना का तो कोई संबंध नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ चांदी सोना है, चांदी का कुछ हिस्सा कह रहा सोना है, तो चांदी और सोने का भी कोई संपर्क नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहा गया है कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, प्लेटिनम का कुछ हिस्सा दोस्तों हीरे हैं, तो हाँ दोस्तों प्लेटिनम का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे हीरा हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो केवल हमारा निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 288 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हमारा 289 नंबर में दिया गया है। कहा गया है कि सभी लैपटॉप कीबोर्ड हैं, जितने भी लैपटॉप होंगे दोस्तों, हमने सभी लैपटॉपों को क्या बना दिया, कीबोर्ड बना दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया कीबोर्ड, यहाँ पे हमने कीबोर्ड लिख दिया, सभी लैपटॉपों को हमने कीबोर्ड बना दिया। फिर कहा गया है कुछ प्रिंटर लैपटॉप हैं, कुछ प्रिंटर, प्रिंटर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, लैपटॉप है। तो हमने प्रिंटर का कुछ हिस्सा लैपटॉप बना दिया दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये हो गया क्या, प्रिंटर। हमने प्रिंटर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या किया, लैपटॉप बना दिया, ये प्रिंटर का कुछ हिस्सा हमने लैपटॉप कर दिया। फिर कहा गया सभी कीबोर्ड स्कैनर हैं, जितने भी कीबोर्ड होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्कैनर बन जाएंगे। तो चलिए हमने सभी कीबोर्डों को क्या बना दिया, स्कैनर बना दिया। अब अगर यहाँ पे अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष में कहा गया कुछ स्कैनर लैपटॉप हैं, यहाँ पे कह रहा स्कैनर का कुछ हिस्सा लैपटॉप है। दोस्तों स्कैनर के अंदर ही तो हमारा लैपटॉप आ रहा है, तो इसका मतलब बात सही कह रहा है, स्कैनर का कुछ हिस्सा लैपटॉप है, तो ये बात दोस्तों सत्य हो गई। फिर अब सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड के अकॉर्डिंग सेकेंड में कहा गया है कि कुछ प्रिंटर स्कैनर हैं, प्रिंटर का कुछ हिस्सा कह रहा स्कैनर है। हाँ दोस्तों ये प्रिंटर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए स्कैनर हो रहा, तो ये भी बात क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर कहा गया कि सभी लैपटॉप स्कैनर हैं, जितने भी लैपटॉप हैं वो कह रहा सबका सब स्कैनर हैं। दोस्तों बात सही कही गई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा गया है कि सभी लैपटॉप जो हैं वो सबका सब क्या हैं, स्कैनर हैं। तो जितने भी लैपटॉप हैं सब स्कैनर के अंदर ही तो हैं दोस्तों, तो यानी कि ये भी बात सत्य हो गई। अब फिर अगला फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ में कहा गया कुछ लैपटॉप स्कैनर नहीं है, कह रहा लैपटॉप का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा है स्कैनर नहीं, तो ये बात दोस्तों गलत कह दी गई। लैपटॉप के तो सभी हिस्से स्कैनर हो रहे हैं ना, स्कैनर के अंदर ही तो सारे लैपटॉप हैं, तो ये बात दोस्तों यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या कहा गया, गलत कहा गया है। तो अब अगर दोस्तों देखें तो हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करते हैं। अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि कथन भी चेंज होने लगेगा। तो इसका मतलब ये तीनों सही है, तो तीनों ही सही रहेंगे। तो देखें दोस्तों, तुम्हारा ऐसा ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन में, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सेकेंड थर्ड उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 289 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 289 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 290 नंबर, 290 नंबर में हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि कुछ साकर जूते हैं, कुछ साकर, साकर का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जूता हो जाएगा। तो हमने साकर का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, जूता बना दिया। फिर कहा गया कुछ जूते कवर्स हैं,
जूते का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो हमने जूते का कुछ हिस्सा कवर कर दिया। फिर कहा गया सभी कवर्स प्लास्टिक हैं, जितने भी कवर होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लास्टिक हो जाएंगे। हमने इस सभी कवर को क्या बना दिया दोस्तों, प्लास्टिक बना दिया। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम कम्प्लीट। अब अगर हम देखें निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कुछ प्लास्टिक जूते हैं, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा कह रहा जूता है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे प्लास्टिक का कुछ हिस्सा दोस्तों जूता हो रहा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। कुछ प्लास्टिक जूते हैं तो बिल्कुल बात सत्य हो गई। फिर कहा गया कुछ साकर प्लास्टिक है, कह रहा कुछ साकर प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक साकर हमारा यहाँ पे है, प्लास्टिक यहाँ पे है, तो साकर और प्लास्टिक का कोई संबंध नहीं हो रहा, तो यहाँ पे दोस्तों गलत कह दिया गया। तो देखें दोस्तों, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 290 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हुआ दोस्तों, 290 का सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड डाउट को दूर कर सकते हैं, वहाँ पर हमको भेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का PDF भी वहाँ पे पा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप से जुड़िएगा और अपने किसी भी प्रकार के मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड समस्याओं का समाधान भी पाइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 291 क्वेश्चन हमारा नंबर ये रहा। इसमें कहा गया है कि सभी फूल मोमबत्ती हैं, जितने भी फूल होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, मोमबत्ती हो जाएंगे। सभी फूल क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मोमबत्ती हो गए। तो हमने सभी फूलों को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मोमबत्ती बना दिया। सभी फूल हमारे क्या हो जाएंगे, मोमबत्ती हो गए। फिर कहा गया कोई मोमबत्ती लैटर्न नहीं है, कोई भी मोमबत्ती कह रहा है लैटर्न नहीं है, तो हमने लैटर्न को क्या कर दिया, मोमबत्ती से अलग कर दिया। फिर कहा गया निष्कर्ष में कहा गया कि कोई फूल लैटर्न नहीं है, कोई भी फूल लैटर्न नहीं है, तो फूल और लैटर्न का कोई संबंध नहीं है दोस्तों। बात बिल्कुल सही कही गई है कि कोई फूल लैटर्न नहीं है, तो बात सत्य है। फिर कहा गया कि सभी मोमबत्ती फूल हैं, जितने भी मोमबत्ती हैं वो सबका सब फूल हैं दोस्तों। यहाँ पे गलत कह दिया गया, मोमबत्ती का तो कुछ हिस्सा फूल हो रहा है ना, इसने उल्टा कह दिया कि कहा है कि सभी मोमबत्ती फूल हैं, तो उल्टा कहा है, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल मिला के हमारा निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखने पे मिला। यानी कि देखें तो निष्कर्ष ऐसा ऑप्शन हमारा डी पे दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 291 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है, यानी कि 291 का डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 292 नंबर। 292 नंबर में हमारे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी साल सालीन हैं, जितने भी साल दिए गए हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, सभी साल हमारे क्या हो जाएंगे, सालीन हो जाएंगे। तो हमने सभी साल को यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, सालीन बना दिया। सभी साल हमारे क्या हो जाएंगे, सालीन हो जाएंगे। कोई सालीन शर्ट नहीं है, कोई भी सालीन, सालीन का कोई भी हिस्सा हमारा कह रहा शर्ट नहीं है, तो हमने सालीन और शर्ट को अलग अलग कर दिया। फिर यहाँ पे निष्कर्ष में देखें तो निष्कर्ष में कहा गया है कि कोई शर्ट कालीन नहीं है, और यहाँ पे दोस्तों कालीन था, हमने सालीन पढ़ लिया है, तो यहाँ पे इसको कालीन कह लीजिएगा, ये कालीन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कोई शर्ट कालीन नहीं है, तो कोई भी शर्ट कह रहा कालीन नहीं है, तो दोस्तों बात बिल्कुल सही कही गई है। फिर कहा गया कोई साल शर्ट नहीं है, साल का कोई भी हिस्सा कह रहा शर्ट नहीं है, तो हाँ दोस्तों बात सही है कि कोई भी साल हमारा क्या है, शर्ट नहीं है, साल का कोई भी हिस्सा हमारा जो है वो शर्ट नहीं है। तो ये भी बात दोस्तों क्या कही गई है, सत्य कही गई है। अब अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम गलत नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये दो का दोनों ही सही रहेंगे, यानी कि हम अगर गलत करने का प्रयास करेंगे भी तो हमारे कथन चेंज होने लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों जब हम यहाँ पर कहा गया कोई कालीन शर्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शर्ट को जब इसके अंदर लाएंगे, इससे कंपेयर कराएंगे, तो हमारे कथन चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों ही हमारे क्या है, इसका पालन करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 292 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 292 के बाद दोस्तों 293 नंबर। यहाँ पे कहा गया कुछ घर कुर्सियां हैं, घर का कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा कुर्सी है, तो हमने घर का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या बना दिया, यहाँ पे कुर्सी बना दिया। फिर अगले स्टेप में कहा गया कि सभी खिड़कियां दरवाजे हैं, सभी खिड़कियां क्या हैं दोस्तों, दरवाजे हैं। हमने यहां पे खिड़की बनाया और खिड़की का सभी हिस्सा, सभी खिड़की क्या हैं दोस्तों, दरवाजे हैं, तो हमने सभी खिड़की को क्या बना दिया, यहां पे दरवाजा बना दिया। अब अगर अगले स्टेप में देखें तो कहा गया सभी घर खिड़कियाँ हैं,
जितने भी घर हैं वो सबका सब दोस्तों क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो अब हम क्या करें, इस खिड़की को घर के अंदर ले जाएं। तो अब हमको यहाँ पे करना क्या होगा कि ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, ये हम नीचे वाले डायग्राम को जो हमने अलग कर दिया था इसको हम हटाते हैं, इसको हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे वाले ऑप्शन को, कहा गया सभी घर खिड़की हैं, जितने भी घर हो जाएंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खिड़की हो जाएंगे। तो हमने सभी घर को क्या बना दिया दोस्तों, खिड़की बना दिया। अब इसके ऊपर में कहा था सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं, अब जितने भी खिड़की होंगी वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दरवाजा हो जाएंगे। तो हमने दरवाजा बना दिया, तो ये डायग्राम हमारा हो गया कम्प्लीट। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, तो निष्कर्ष में कहा गया कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, दरवाजे का कह रहा कुछ हिस्सा खिड़की है। बिल्कुल बात दोस्तों सही कही गई, दरवाजे का कुछ ही हिस्सा तो दोस्तों खिड़की हो रहा है। तो यानी कि ये बात बिल्कुल क्या हो गई हमारी, बिल्कुल सत्य हो गई, दरवाजे का क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल यानी कि दरवाजे का कुछ हिस्सा खिड़की है, सत्य हो गई। फिर अगला देखते हैं, कहा गया कुछ कुर्सियाँ घर हैं, कुर्सी का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों घर है। तो हाँ दोस्तों कुर्सी का कुछ हिस्सा दोस्तों घर हो रहा, तो ये भी बात दोस्तों क्या हो गई, सत्य हो गई। फिर कहा गया कुछ खिड़कियाँ कुर्सी हैं, खिड़की का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों कह रहा कुर्सी है। तो ये भी बात दोस्तों सही है, यहाँ पे खिड़की का कुछ हिस्सा यहाँ पे कुर्सी हो भी रहा, तो ये भी बात क्या हो गई, सत्य हो गई। तो देखें दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे तीनों निष्कर्ष सत्य हो रहे हैं, यानी कि अब अगर इनको हम गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम गलत नहीं कर पाएंगे, अगर गलत करेंगे भी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन चेंज हो जाने लगेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों ये तीन का तीनों ही सत्य रहेंगे, यानी कि देखें तो कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे कुल मिला के अगर हम देखें तो ये हो जाएगा RX, फिर सभी निष्कर्ष उपयुक्त हैं, हमारा ये क्या हो जाएगा 293 का हमारा हो जाएगा, सभी निष्कर्ष उपयुक्त होंगे। कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पे हमारे, सभी निष्कर्ष उपयुक्त होंगे। तो ऐसा हमारा ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, यहाँ पे कहा गया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष थर्ड उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और फोर्थ उपयुक्त है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ये कहीं ना कहीं रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो हमारे हो जाएंगे ये तीनों निष्कर्ष उपयुक्त है, यानी कि तीनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, तीनों निष्कर्ष हमारे क्या होंगे, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन तो कोई नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे तीनों निष्कर्ष अनुसरण करने का हमारा यही राइट आंसर बनेगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि कोई कार गेंद नहीं है, कोई भी कार जो होगी वो गेंद नहीं है। तो ठीक है, हमने कार का कोई भी हिस्सा जो है वो गेंद नहीं बनाया, कोई भी कार गेंद नहीं है, तो हमने कोई भी कार को गेंद नहीं किया, ठीक है, कोई भी कार गेंद नहीं है। फिर कहा गया है कि कोई गेंद मेज नहीं है, कोई कार गेंद नहीं है कहा है, ठीक है, कोई भी कार गेंद नहीं है। फिर कहा गया कोई गेंद मेज नहीं है, कोई भी गेंद जो है वो मेज नहीं है। तो हमने क्या किया, मेज को यहाँ पे हमने गेंद से अलग कर लिया। अब निष्कर्ष में देखें, ये हमने गेंद को क्या किया, मेज से अलग कर लिया, ये भी हो गया। अब कहा गया कोई कार मेज नहीं है, कोई भी कार मेज नहीं है, तो बात दोस्तों यहाँ पे सत्य है, कार का कोई भी हिस्सा मेज नहीं बन रहा है। फिर कहा गया सभी मेजें कार हैं, सभी मेजें कार हैं दोस्तों, तो यहाँ पे तो गलत कह रहा है, मेज और कार का तो कोई संपर्क ही नहीं हो रहा है। तो अब अगर दोस्तों हम क्या करें, यहाँ पे कुल मिला के देखें तो इसने कहा है कि सभी मेजें कार हैं, जितनी भी मेज हैं वो सबका सब दोस्तों कार हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों, यहाँ पे हमने गलत कर दिया। अब अगर इसी डायग्राम को हम दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करें, तो कहा गया कोई कार गेंद नहीं है, तो हमने क्या किया, कार का कोई भी हिस्सा क्या किया, गेंद नहीं बनाया, कार का हमने कोई भी हिस्सा गेंद नहीं बनाया, ठीक है। फिर आगे अगर देखें तो कह रहा कोई गेंद मेज नहीं है, अब गेंद का कह रहा कोई भी हिस्सा मेज नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा गेंद का कोई भी हिस्सा मेज नहीं है, कोई भी कार मेज नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, सेकेंड डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, इसने कहा कोई गेंद मेज नहीं है, तो हमने कह दिया कुछ गेंद मेज हैं, नहीं इसने कहा कोई गेंद मेज नहीं है, तो हम कह देंगे गेंद कोई गेंद मेज नहीं होगा, लेकिन हम एक कार से थोड़ा सा बना लेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये कर दिया हमने ऐसे।
तो अब अगर दोस्तों देखें तो हमारा जो गलत है तो उसको तो हम टच ही नहीं करेंगे, वो गलत ही रहेगा कुछ भी हो दोस्तों। अब यहाँ पे हमने सेकंड वाला हमारा गलत हो गया तो उसको वो गलत ही रहेगा। अब हमारा जो फर्स्ट सही हुआ उसको देखेंगे। यहाँ पे कहा गया कोई कार मेज नहीं है, तो यहाँ पे तो दोस्तों कार का कुछ हिस्सा मेज बनने लगा है ना, तो इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये भी। अब यहाँ पे तो इसके कहने के कारण ये गलत होने लगा ना, तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो दोनों गलत हो रहे हैं। दोस्तों क्या हो रहे हैं, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 294 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 94 के बाद 95 नंबर, और यहाँ पे हमारा 295 नंबर में दिया गया सभी ईंटें इमारत हैं, जितने भी दोस्तों ईंटें दिए गए हैं वो सबका सब हमारे सभी ईंटें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इमारत हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे सभी ईंटों को क्या कर दिया दोस्तों, इमारत बना दिया, सभी ईंटों को हमने क्या किया, इमारत बना दिया। फिर कहा गया कुछ ईंटें होटल हैं, ईंट का कुछ हिस्सा कह रहा है होटल है, तो हमने ईंट का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, होटल बना दिया, ये बात हो गई। अब अगर निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कुछ होटल इमारत हैं, होटल का कह रहा कुछ हिस्सा इमारत है, दोस्तों बात सही कह रहा है यानी कि सत्य हो गया। फिर कहा गया कोई भी होटल इमारत नहीं है दोस्तों, तो ये बात दोस्तों गलत कही गई है, होटल का कुछ हिस्सा तो इमारत हो रहा है ना, तो ये बात यहाँ पे गलत कही गई है। केवल निष्कर्ष यहाँ पे देखें तो फर्स्ट उपयुक्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 295 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अच्छा अभी एक दोस्तों फर्स्ट तो हमारा दिया ही है, लेकिन अभी एक निष्कर्ष और भी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे एक निष्कर्ष और दिया था इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कुछ होटल ईंट हैं, होटल का कह रहा कुछ हिस्सा दोस्तों ईंट है, तो हाँ दोस्तों होटल का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे ईंट हो रहा है, तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारा ये भी सत्य हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों निष्कर्ष उपयुक्त हैं, यानी कि अब यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, अब सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट और थर्ड उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 295 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 295 के बाद 296 और 96 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि कुछ कस्बे शहर हैं, कस्बे का कुछ हिस्सा दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा, तो हमने कस्बे का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे शहर बना दिया। फिर कहा गया है सभी शहर घर हैं, जितने भी शहर हैं वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे घर बन जाएंगे, तो हमने सभी शहर को घर बना दिया। अब निष्कर्ष में कहा गया कुछ कस्बे घर हैं, कस्बे का कुछ हिस्सा दोस्तों घर है, तो हाँ दोस्तों कस्बे का कुछ हिस्सा घर हो रहा, बात सत्य है। फिर कहा गया कुछ घर शहर हैं, घर का कुछ हिस्सा दोस्तों शहर है, तो हाँ घर का कुछ हिस्सा तो ही दोस्तों तो शहर हो रहा है, तो ये भी बात दोस्तों सत्य हो गई है। अब अगर इनको गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम गलत नहीं कर पाएंगे, गलत करेंगे भी दोस्तों तुम्हारे कथन चेंज हो जाएंगे, कथन चेंज नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे दोनों निष्कर्ष उपयुक्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 296 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि दोनों ही निष्कर्ष उपयुक्त होंगे, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 296 के बाद दोस्तों 297 नंबर देखते हैं, और इस क्वेश्चन में कहा गया कि कोई रैकून लोमड़ी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक रैकून बना लिया, अब कह दिया गया कि रैकून का कोई भी हिस्सा क्या है, लोमड़ी नहीं है, तो हमने रैकून का कोई भी हिस्सा लोमड़ी नहीं बनाया, ठीक है। फिर कहा गया कुछ लोमड़ी हाइना है, लोमड़ी कुछ लोमड़ी हाइना है, लोमड़ी का कह रहा कुछ हिस्सा लोमड़ी का क्या है, कुछ हिस्सा क्या है, हाइना है। ये लोमड़ी का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया, हाइना बना दिया दोस्तों, हमने ये हाइना लिख दिया। अब यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष में कुछ हाइना लोमड़ी हैं, हाइना का कुछ हिस्सा कह रहा लोमड़ी है, दोस्तों बात सही है कि हाँ हाइना का कुछ हिस्सा लोमड़ी है दोस्तों, ये बात सत्य हो गई। फिर अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे अगला कहा गया है कि सेकंड में कि कुछ लोमड़ी रैकून हैं, लोमड़ी का कुछ हिस्सा कह रहा रैकून है, तो लोमड़ी का यहाँ पे तो कोई हिस्सा रैकून नहीं दिख रहा दोस्तों, तो यहाँ पे गलत कह दिया है। फिर अगला हम देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई रैकून हाइना नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी रैकून कह रहा हाइना नहीं है, तो ये बात दोस्तों क्या कही गई है, सत्य कही गई, रैकून का कोई भी हिस्सा हाइना नहीं है, बात सत्य है दोस्तों। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें तो इस प्रकार बनाए डायग्राम, तो हमारे ये सही वालों को गलत करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे हमने रैकून बना दिया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, रैकून हो गया, रैकून का कोई भी हिस्सा कह रहा लोमड़ी नहीं, तो हमने रैकून का कोई भी हिस्सा लोमड़ी नहीं किया। फिर कह रहा लोमड़ी का कुछ हिस्सा दोस्तों हाइना है, तो हमने कुछ हिस्सा रैकून से भी ले लिया, तो यहाँ पे लोमड़ी का कुछ हिस्सा यहाँ पे दोस्तों हमने क्या कर दिया, हाइना कर दिया, तो हमने हाइना कर दिया। अब अगर सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो कहा गया है कुछ हाइना लोमड़ी हैं, हाइना का कुछ हिस्सा दोस्तों लोमड़ी है, तो हाँ हाइना का कुछ हिस्सा यहाँ पे लोमड़ी है, तो यहाँ पहला हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर कहा गया कुछ लोमड़ी रैकून हैं,
कुछ लोमड़ी रैकून है, लोमड़ी और रैकून का तो कोई संबंध नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि गलत है ऑलरेडी, इसको गलत करना भी था हमको, यानी गलत है तो उसको गलत ही रहने देना, उसको हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों अगर तीसरा देखें तो कहा गया कोई रैकून हाइना नहीं है, कोई रैकून हाइना नहीं है, रैकून का कह रहा कोई हिस्सा हाइना नहीं, तो यहाँ पे रैकून का कुछ हिस्सा दोस्तों हाइना होने लगा है ना, तो दोस्तों देखें तो ये गलत कह दिया है। तो कुल मिला के देखें तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 297 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 298 नंबर, और 298 नंबर में हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कुछ लोहा जंग है, लोहा का कुछ हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों, जंग बन जाएगा, हमने जंग बना दिया। फिर कहा गया सभी जंग भूरे हैं, जितने भी जंग होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, भूरा हो जाएगा, तो हमने सभी जंगों को भूरा कर दिया। फिर निष्कर्ष में कहा गया कुछ भूरे जंग हैं, भूरे का कुछ हिस्सा कह रहा जंग है, तो हाँ दोस्तों भूरे का कुछ ही हिस्सा तो जंग हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल दोस्तों सत्य है, भूरा इतने सारे हैं, भूरे के अंदर जंग जा रहा है, तो भूरे का कुछ हिस्सा जंग हो जाएगा, तो बात सत्य है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा गया कुछ लोहे भूरे हैं, तो लोहे का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, लोहे का कुछ हिस्सा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, भूरा हो रहा है, तो यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो कुल मिला के हमारा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ ये क्या क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। 298 का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 298 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि 298 का डी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, राइट हुआ। 298 बाद दोस्तों देखें 299 नंबर, और यहाँ पे हमारा जो दिया गया है, कहा गया कि सभी केबल कुर्सियां हैं। अब यहाँ पे केबल कहा गया है, जितनी भी केबल हैं वो सबका सब हमारी क्या है, यहाँ पे कुर्सी है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे सभी केबल को कुर्सी बना दिया। फिर कहा गया कोई कुर्सी कलम नहीं है, कुर्सी और कलम को हमने अलग कर दिया, कोई भी कुर्सी कलम नहीं है। अब निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कोई केबल कलम नहीं है, कोई भी केबल कलम नहीं है दोस्तों, तो बात सत्य कही गई, केबल और कलम का कोई संबंध नहीं है, तो दोस्तों सत्य हो गया। फिर कहा गया सभी कुर्सियाँ केबल हैं, जितनी भी कुर्सी हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, केबल हैं। कहा क्या गया है कि सभी कुर्सियां केबल हैं, तो कुर्सियों का तो यहाँ पे कुछ हिस्सा केबल हो रहा है ना दोस्तों, तो ये एक बात गलत कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 299 का डी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, यानी कि 300 नंबर यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का और इस आज के क्वेश्चन हमारा ये अंतिम होगा। और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कहा गया है कि सभी हंस तोते हैं। अब जितने भी हंस हैं दोस्तों वो सबका सब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, तोते दिया गया, तो हमने सभी हंस को तोता बना लिया। अब फिर कहा गया है कोई भी तोता कोयल नहीं है, तो हमने तोता और कोयल में कोई संबंध नहीं रखा, इनको दूर दूर कर दिया, कोई भी कोयल तोता नहीं है, ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब हम दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष में कहा गया कोई भी हंस कोयल नहीं है, कोई भी हंस कोयल नहीं है, बात दोस्तों सही कही गई, हंस और कोयल का कोई संबंध नहीं हो रहा दोस्तों, तो सत्य हो गया। फिर कहा गया सभी तोते हंस हैं, जितने भी तोते हैं वो सबका सब हंस हैं, गलत कह दिया गया दोस्तों, तोता हमारा हंस के अंदर होता तो ये सत्य होता, यहाँ पे तो तोते का कुछ हिस्सा हंस हो रहा है, तो ये बात दोस्तों क्या हो गई, गलत हो गई, सभी तोते हंस हैं, तो इसने गलत कहा है कि इसको कहना चाहिए कुछ तोते हंस हैं, तोते का कुछ हिस्सा हंस है ऐसा कहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे गलत कह दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखें तो केवल हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, ऐसा दिया गया है दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो 300 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये चैप्टर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको इस चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके हमको वहाँ भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई सुझाव दे सकते हैं, या अपनी कोई डाउट बता सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।